एक सेकंड स्टार्ट जी। आज की इस परिचर्चा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और इस चर्चा में सारे के सारे शिक्षाविद जो हैं वो सभी उपस्थित हैं। और विचार करने की जो बात है वो ये है कि नवीन शिक्षा पद्धति जितनी व्यापक और जितने बड़ा वो डॉक्यूमेंट है, लगभग 100 पेजों से ऊपर है हिंदी में, तो उस डॉक्यूमेंट में से जो हमारे से जुड़ी हुई बात है कि उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन का अर्थ उच्चतर शिक्षा नहीं उच्च शिक्षा है, उसका प्रारूप और सार क्या है और उसकी रेलेवेंस हमारे साथ कैसे है और हम उसको कैसे समझें। और ये दो तरह के लोगों के लिए उपयोगी है जिन्होंने आज की परिचर्चा, जिन्होंने इस परिचर्चा को करने से पूर्व सारा डॉक्यूमेंट पढ़ लिया है, उनके लिए विश्लेषण करने के लिए कुछ जानने के लिए प्रश्न रहेंगे। और जिन्होंने नहीं पढ़ा है कि ये डॉक्यूमेंट बहुत बड़ा है इसलिए वो क्या करेंगे, वो इस सारे विषय को समझ करके फिर दोबारा इस डॉक्यूमेंट को पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। समय क्योंकि हमारा हो चुका है और हमारे मुख्य वक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर दिनेश चहल जी, जो स्कूल ऑफ एजुकेशन सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा से हैं, महेंद्रगढ़ में जो है वहां से हैं और वो आज हमारे मुख्य वक्ता हैं। तो उनका परिचय इत्यादि और स्वागत वचन सब पूरा करने से पूर्व मैं कुछ एक बातें आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ। मेरी जानकारी में नहीं है कि हरियाणा के किसी कॉलेज ने अभी शायद उच्च शिक्षा के ऊपर नई शिक्षा नीति के संदर्भ में कोई चर्चा अभी की है, या इवन गवर्नमेंट ने भी कोई अपनी ओर से कोई इनिशिएटिव लेकर के इस पे कोई चर्चा की है, मेरी जानकारी में नहीं है। इसलिए हमने इसका भाग एक ये आज चर्चा के लिए रखा है। और भाग एक चर्चा का मतलब ये है कि जितनी बातें हमें आज समझ में आएंगी और जितने हमारे नए प्रश्न उभर कर आएंगे और जितने विषय और उभरेंगे उन सभी विषयों को हम अगले सत्र में, अगले वेबिनार में उसको लेंगे। अब ये जो संस्कृत विभाग ने इस विषय को लिया है उसके तीन चार कारण हैं, तीन मुख्य प्रश्न हैं, क्योंकि हम जानते हैं एजुकेशन पॉलिसीज कब से चली आ रही हैं और हर बार कुछ ना कुछ उसमें नया ऐड कर दिया जाता है। लेकिन चार बेसिक फंडामेंटल, बेसिक कह लीजिए फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं मुझे लगता है और संस्कृत विभाग की दृष्टि से कि वो हर एजुकेशन पॉलिसी से किए जाने चाहिए। उनमें से पहला प्रश्न है, मैं समय ज्यादा ना लेते हुए तुरंत आपके साथ कुछ एक चीजें शेयर करूंगा कि व्हाट काइंड ऑफ फ्यूचर डू वी वांट थ्रू दिस एजुकेशन पॉलिसी, इस एजुकेशन पॉलिसी से हम किस तरह के भविष्य की कामना करते हैं और विचार करते हैं। दूसरा प्रश्न है व्हाट डू वी वांट टू सस्टेन फॉर होम एंड फॉर हाउ लॉन्ग। इससे पहले की जो चली आ रही थी, कृपया बीच में अपना माइक ऑफ कर दीजिए, प्लीज आप माइक ऑफ कर दीजिए, नहीं तो बहुत डिस्टरबेंस क्रिएट करेगा और दिक्कत रहेगी हम सभी के लिए और अच्छा भी नहीं लगता है। अब तो हम सभी अभ्यस्त हो गए हैं इन वेबिनार्स के कि उसकी मर्यादाएं क्या होती हैं, उसकी सीमाएं क्या होती हैं, तो मैं समझता हूँ कि उस बात को ध्यान में रखते हुए कृपया अपना माइक ऑफ रखिए, वीडियो बेशक ऑन रखें, आपका स्वागत है। दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रश्न है एजुकेशन पॉलिसी के संदर्भ में संस्कृत विभाग की ओर से, व्हाट डू वी वांट टू सस्टेन फॉर होम एंड फॉर हाउ लॉन्ग। और ये प्रश्न कोरोना के टाइम में तो और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जितनी हमने एजुकेशन पॉलिसीज बनाई पूरे विश्व में और भारत में, उसके ये परिणाम हमें आज देखने को आ रहे हैं कि एक और इन्वायरमेंट की समस्या खड़ी है तो दूसरी ओर इकोनॉमिक प्रायोरिटीज भी खड़े हैं, तो क्या चीज है जिसे हम बचाना चाहते हैं। तीसरा प्रश्न है व्हाट डज अवर थिंकिंग हैव टू डू विद अवर करंट रियलिटी एंड अवर एबिलिटी टू अचीव। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, मैं इनकी व्याख्या में नहीं जा रहा, आप सभी जानते हैं और इसके उत्तर दे सकते हैं और हम उन सभी प्रश्नों के ऊपर चर्चा जो है बाद में लेंगे मुख्य वक्ता के बाद। व्हाट डज अवर एजुकेशन हैव टू डू विद अवर थिंकिंग, कि पहले जो एजुकेशन थी वो हमारी सोच में, हमारी समझ में और हमारे, हम जिस तरह का एजुकेशन सिस्टम चाहते थे उसमें टीचर का रोल कहाँ खड़ा हो रहा था, वो स्वयं टीचर निर्धारित नहीं कर रहा था, दूसरे लोग निर्धारित करके उसको बता रहे थे। अब इसके साथ एक छोटा सा प्रश्न जो मैंने और नीचे आप देखें स्लाइड के नीचे, तो एजुकेशन का क्या अर्थ है,
क्या आप इसको शिक्षा के अर्थ में लेना चाहते हैं या विद्या के अर्थ में लेना चाहते हैं? क्योंकि शिक्षा, जहां तक मैं समझता हूं और जितने के संस्कृत को पढ़ा है, तो शिक्षा एक तरह का प्रशिक्षण है, वो एक ट्रेनिंग है, वो विद्या नहीं है। विद्या का अर्थ कुछ और होता है। विद्या का संबंध जो है वो एक प्रकार की ज्ञान की सूक्ष्मता और व्यापकता से ज्यादा है। तो उन सब बातों को भी हम ध्यान में रखेंगे। अब मुझे मालूम नहीं है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में या एजुकेशन के लोग बीएड कॉलेजेस में इस एजुकेशन को शिक्षा के अर्थ में ही लेते हैं या वो विद्या के अर्थ में भी लेते हैं। इससे पूर्व कि मैं आगे चलूं, मैं दो तीन बातें आपको बताना चाहता हूं कि इससे पूर्व हमने संस्कृत विभाग ने जो है 2017 में एक सेमिनार किया था, क्रिटिक ऑफ हरियाणा हायर एजुकेशन सिस्टम टीचर्स पर्सपेक्टिव के एंगल से, और उसमें कई सारी जो है हमें विसंगतियां जो देखने को मिली थी और जो हमारे सामने उद्देश्य और वो जो हाई स्टैंडर्ड्स रख दिए जाते हैं वो सारों के ऊपर हमने चर्चा की थी, और कुछ एक प्रश्न हमने फिर उसके आधार पे किए थे और सर्वे भी निकाला था। उसके बाद दूसरा एक 2018 में हमने किया था सेमिनार, हरियाणा उच्च शिक्षा दशा दिशा और दर्शन, और आज भी मुझे लगता है ये बड़े रेलिवेंट हैं। और ये तब हमने किया था जब रिफॉर्म्स इन हायर एजुकेशन जो है वो बड़ी तेजी के साथ बताया जा रहा था कि अगर ये रिफॉर्म्स हो जाते हैं तो दुनिया बदल जाएगी और मनुष्य जो है वो स्वर्ग में पहुंच जाएगा बहुत जल्दी। इस तरह की बातें कर करके जो है वो हमारा काम चल रहा था। इस स्थिति में हमने कुछ एक प्रश्न रखे थे, मैं सारे प्रश्न नहीं पढ़ रहा, लेकिन मैंने अपनी परंपरा से कुछ एक प्रश्न निकाले थे। हालांकि इसके ऊपर और अधिक काम करने की जरूरत है और ये हम आप लोगों के साथ शेयर भी करेंगे। उनमें से दो चार प्रश्न जो मैं आप लोगों के साथ, मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण है कि क्या आज की शिक्षा, दूसरा प्रश्न आप देखिए, शिक्षा का उद्देश्य राष्ट्र और समाज का मंगल है, क्या इसका अल्टीमेट एम ये है? दूसरा प्रश्न है, आज की शिक्षा हमें तेजस्वी बनाती है क्या? एक जो हमारे में एक एम्पावरमेंट की भावना आनी चाहिए, क्या वो आती है या हमें कुछ और ही बना देती है? मैडम आप प्लीज अपना शेयर ना कीजिए, स्क्रीन शेयर मत कीजिए, उससे बड़ी दिक्कत आएगी। अब मेरे लिए फिर वही दिक्कत हो गई है कि समस्या आ जाती है स्क्रीन शेयर करने में। कृपया इन चीजों को हमेशा ध्यान में रखें। मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर कर रहा हूं और इससे समस्या बड़ी विकट हो जाती है कि जो लोग स्क्रीन पे दिखा रहे होते हैं वो चीजें दिखाई नहीं देती और वक्ता जो बोल रहा होता है वो कुछ का कुछ चला जाता है। इसमें एक और जो बात हमारे सामने आती है कि क्या आज की अध्ययन प्रणाली, शिक्षा प्रणाली हमारी संस्कृति के अनुरूप है? हमारी संस्कृति कोई, मैं ये नहीं कहता कि कोई धार्मिक वगैरह है, लेकिन एग्रेरियन तो है ही है, एग्रेरियन कल्चर बेस्ड हमारी हमारा देश रहा है। तो क्या कुछ ऐसे तत्व इसमें देखने को और समझने को मिलेंगे कि हम लोग जिससे कह सकें कि ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी है वो कल्चर बेस्ड है या नहीं है? और एक जो बड़ी महत्वपूर्ण बात है, जो पिछली एजुकेशन सिस्टम में जो हमारे हमें एक सिखाया जाता था, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, एग्रेसिव लीडरशिप और ये सारी बातें, तो क्या वर्तमान शिक्षा में, शिक्षा प्रणाली में मनुष्य में शील, सत्य, संयम, सदाचार और शुद्धता का आचरण सिखाएगी? ये मूल्य क्या सिखाए जाएंगे इस शिक्षा में, क्या ये इंक्लूडेड है कि नहीं है? और एक अंतिम प्रश्न और मैं आपके सामने रख करके अग्रसर होऊंगा कि क्या शिक्षा प्रणाली चारों पुरुषार्थों, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को प्राप्त कराने वाली है या केवल अर्थ और काम तक ही ये रुकी हुई है? तो इस तरह के कुछ एक प्रश्न हैं जो हमने ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, अपने वैदिक परंपरा से लिए थे। और क्योंकि हम लोगों के पास मौके नहीं होते और ना हम लोगों से कोई पूछता है टीचर से कि भाई एजुकेशन पॉलिसी बनने जा रही है, तो कम से कम एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो सारे प्रिंसिपल्स को कहे कि अपने अपने जो टीचर्स हैं उनसे आप ये सारा डाटा इकट्ठा करें, उनके सुझाव लें और फिर जो है उसको आप हमारे साथ शेयर करें। ये फिर किसी ने स्क्रीन शेयर कर दी है, कृपया आप अपनी स्क्रीन शेयर ना करें, बड़ी दिक्कत हो जाती है, ये बार बार कहने वाली चीजें नहीं होती हैं। कृपया कृपया ऐसा ना करें, ये मर्यादाएं तो स्वयं आपको पता होती हैं कि गलत हो रहा है,
सर ये कंट्रोल ऑफिस से बंद करो, स्क्रीन शेयरिंग भी और माइक भी सब ये बंद कर दो वहां से प्लीज आप। मैं अब दोबारा कर रहा हूँ क्योंकि कठिनाई बड़ी हो जाती है। जी मैं इन चीजों में नहीं जा रहा कि लोगों ने, जो बड़े बड़े लोग रहे हैं जिनको हम बड़ा महत्वपूर्ण मानते हैं अपने सिस्टम में, उन लोगों ने एजुकेशन का मतलब क्या बताया है, वो आप सभी जानते हैं, मैं उसमें नहीं जाता। आप लोगों के साथ ये भी थोड़ी सी सूचना शेयर कर लेता हूँ कि 1948 से लेकर के आज तक कितने सारे जो हैं एजुकेशन कमीशन पॉलिसीज, नॉलेज कमीशन, जाने क्या क्या जो है वो बना है, जिसके बारे में मुझे लगता है कि हम में से अधिकांश लोगों को कोई ज्ञान नहीं होगा। कुछ एक मुख्य बातें जो इसमें हमारे जानने वाली हैं, जो जिसके बारे में डॉक्टर साहब चर्चा करेंगे कि हायर एजुकेशन का करिकुलम, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट्स, मल्टीपल एंट्री एग्जिट आदि आदि, ये सारी चीज़ें हैं जो मैं समझता था कि पढ़ के राय तो वहाँ पे डॉक्टर साहब जब चर्चा करेंगे तो वो हमें बड़ी सहूलियत प्रदान करेंगे। और बहुत सारे रिफॉर्म्स इसमें हमें दिखाई देते हैं, वो उन सब पे अभी चर्चा करेंगे, लेकिन उसमें एक चीज़ जो डॉक्टर साहब से ज़रूर मैं चाहूँगा कि ये जितने भी रिफॉर्म्स हमें दिखाई देते हैं यूजी पीजी प्रोग्राम में, क्या उससे हमारा जो आईई ग्राफ है, इंटेलेक्चुअल और इमोशनल ग्राफ है, नॉलेज रिसर्च एप्लीकेशन, और दूसरी तरफ इमोशनल में हेरिटेज, नेशनल इंटीग्रेशन, इमोशनल बॉन्डिंग और इस तरह की जितनी वैल्यूज हैं, क्या हम उनको इंटीग्रेट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो इन सब बातों के ऊपर चर्चा करने के लिए हमने आज जिन मुख्य वक्ता को सादर आमंत्रित किया है, और आप देखेंगे कि वो बड़े प्रभावी भी हैं अपने वक्तव्य में, बहुत सटीक और सुलझा हुआ बोलने वाले हैं, ऐसे डॉक्टर दिनेश चहल जी जो स्कूल ऑफ एजुकेशन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा महेंद्रगढ़ से हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आज उनका मुख्य वक्तव्य रहेगा। कई संस्थाओं के वो लाइफ मेंबर हैं, उनको लाइफ मेंबर ऑन उनको उनके ऑनर में दी गई है, देश विदेश। सर मेरी दरख्वास्त है इसको आगे कर दीजिए, इस स्लाइड को ज्यादा जोड़ते नहीं है। ओके 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 ओके, चलिए, बहुत सारी उपलब्धियां हैं। डॉक्टर साहब की ये विनम्रता है कि वो कह रहे हैं कि इस चीज को हम ना ज्यादा प्रदर्शित करें और सीधे विषय के ऊपर आते हैं, और अंतिम स्लाइड दिखा करके मैं उन मुख्य वक्ता को आमंत्रित कर रहा हूँ। मेरे कुछ एक सवाल हैं जो मुझे हमेशा से परेशान करते हैं। जी जी आ रही है। मेरे कुछ एक सवाल हैं जो मुझे कई देर से जो है वो मेरे जहन में है और मैं आप सबके साथ उनको साझा कर रहा हूँ कि क्या एजुकेशन पॉलिसी, न्यू तो चलिए है ही है, लेकिन पिछली ऐसी एजुकेशन पॉलिसी क्या सिर्फ गुड और स्मार्ट लोगों को पैदा करती रही है या सेंसिबल लोगों को भी उसने पैदा किया है, उनका निर्माण किया है? पैदा होना ये थोड़ी सी असभ्य भाषा है, लेकिन कई बार जो है वो जिस तरह के हम व्यवहार में चल रहे होते हैं वहाँ ये भाषा का दोष आ जाता है। लेकिन मेरी ये अपेक्षा है कि क्या नई एजुकेशन पॉलिसी गुड और स्मार्ट लोगों के निर्माण पर ज्यादा जोर देगी या वो सेंसिबल लोगों के ऊपर फोकस करेगी? न्यू एजुकेशन पॉलिसी दूसरे लेवल पर क्या इंटेलेक्चुअल ज्यादा होगी या इंटेलिजेंस बेस्ड होगी? तीसरे स्तर पर मैं ये भी जानना चाहूंगा कि क्या वो सिर्फ बाकी एजुकेशन पॉलिसीज की तरह फियर और हंगर, जो प्राइमोर्डियल फियर और हंगर है मनुष्य और समाज के, उन्हीं को डील करती रहेगी, रोटी पानी कपड़ा जिसे कहते हैं, या वो सेंस ऑफ इंक्वायरी और एस्थेटिक वैल्यूज को भी पैदा करेगी, इनको भी वो एस्टेब्लिश करेगी? और क्या हम कभी ये उम्मीद कर पाएंगे कि किसी दिन हम इस एजुकेशन पॉलिसी से एक ऐसी संस्कृति पैदा कर पाएंगे जहां पर हम ये समझ पाएंगे कि मनुष्य की आवश्यकताएं दिस मच है, ये दिस मच को परिभाषित कर पाएंगे कि कितनी आवश्यकताएं हैं, कितनी उसकी अपेक्षाएं हैं, और नो मोर कि इससे अधिक उसको नहीं चाहिए? तो कुल मिलाकर के क्या न्यू एजुकेशन पॉलिसी वेलबींग की ओर हमें लेकर के चलेगी या नहीं चलेगी, ये हम सबके लिए विचारणीय प्रश्न है। लेकिन ये सारे का सारा जो पर्सपेक्टिव मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, ये जो बातें आप लोगों के साथ शेयर की हैं, वो केवल एक व्यापक दृष्टिकोण देने के लिए की हैं, लेकिन इस व्यापक दृष्टिकोण में हमें पहले उसका जो फॉर्म है, जो उसका एसेंस है,
उसको हमें पकड़ना होगा, उसको समझना होगा, क्योंकि जब तक उसको हम ठीक से समझेंगे नहीं तो हम ओपिनियंस देने लगेंगे जो कि एक पढ़े लिखे आदमी के लिए तो उचित बात नहीं हो सकती। तो इसलिए मैं अब आमंत्रित कर रहा हूँ आज के अपने मुख्य वक्ता को डॉक्टर दिनेश चहल जी को, कि वो हमें नई शिक्षा नीति के बीच में जो हायर एजुकेशन का जो प्लान उन्होंने प्लान आउट दिया है, लेआउट दिया है, उसका फॉर्म क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है और उसकी एसेंस क्या है, सार क्या है, वो हम सब लोगों के साथ साझा करें। और फिर अंत में जो है हम आप लोगों के साथ प्रश्नोत्तर रखेंगे और जो रजिस्ट्रेशन का लिंक है वो बीच में शेयर कर देंगे, वो कृपया उसके लिए कहने की जरूरत आपको नहीं होगा। डॉक्टर दिनेश चहल जी सर, थैंक यू सर, सबको नमस्कार और प्रिंसिपल साहब जी को भी नमस्कार इस मंच के माध्यम से, और सारे जो हमारे टीचर्स, सीनियर्स टीचर्स आदि जो जुड़े हुए हैं उन सबको भी नमस्कार। एक बड़ा अच्छा विषय मैं कहूँगा आज, ठीक बात है आपकी, मेरी भी उसमें नहीं है, अगर किसी कॉलेज ने करवाया हो तो हम नहीं जानते, लेकिन फिर भी जहाँ तक पता है अभी कॉल वो जनता कॉल है वो करवाएगा, बट अभी तक नहीं आया किसी ने करवाया हो, तो दिस इज द आई थिंक यू आर द फर्स्ट और नॉट ओनली इन दिस इन एवरी थिंग यू आर द फर्स्ट, सो बिग कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू एंड योर टीम। एंड की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, बहुत सारे प्रश्न आपने उठाए हैं, इतने तो मेरे दिमाग में भी नहीं थे सर, क्योंकि मैं यहाँ बोलने से ज्यादा सीखने आता हूँ आप लोगों से। एनीवे, तो एक जो अब देखिए, अगर जो मैं प्रोविजन की बात करूंगा, जैसा कि हर पॉलिसी में बड़े अच्छे होते हैं, बट जब हम आते हैं इम्प्लीमेंटेशन पे, तो वो मैं मानता हूं जितने भी प्रोविजन हैं उनकी मैं बात करूंगा एक एक करके, वो अगर लागू होंगे तो 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, और जो हमारी एक तरह से एक हम पीढ़ी है, दो 20वीं शताब्दी वाले और 21वीं शताब्दी वाले, दो जब हमारी पीढ़ियों का मिलन होगा, उनको कैसे तैयार कर पाएंगे। आपके प्रश्न बड़े वाजिब हैं, जो प्रश्न बीच बीच में कोशिश रहेगी कि उनके जवाब भी आते रहें। एक तो जो प्रयास पहला मैं कहूंगा, जो 86 की नीति थी 1986 वाली, वो थोड़ा सा जल्दबाजी में थी, उसके बाद ही प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 में लाना पड़ा। और एक वो नाम से क्या होगा अभी नहीं कह सकते, लेकिन नाम में बदलाव भी एक कहीं ना कहीं नोमेनक्लेचर के भी मायने है कि शिक्षा मंत्रालय इसको मानव संसाधन विकास मंत्रालय से, क्योंकि मानव मैं मानता हूं साधक है, संसाधन नहीं। और एक जो मोटे तौर पे मैं देखता हूं, शिक्षा का जो बंटवारा था, ये आर्ट्स वाले हैं, ये साइंस वाले हैं, ये वोकेशनल वाले हैं, वो जो शिक्षा का बंटवारा था वो कहीं ना कहीं जो सीमा रहित अध्ययन, उसको हम मल्टीडिसिप्लिनरी पे बात करेंगे। और एक जो आपका मंगल के लिए एजुकेशन या जो आपका आईई ग्राफ से जो आपने समझाने की कोशिश की है, अभी इसमें जब मैं प्रोविजन पढ़ रहा था तो वहां चरित्र भी है, व्यक्तित्व भी है, राष्ट्र निर्माण भी है, मोटे तौर पे शिक्षा के उद्देश्य। और रही बात कुछ एक और, जो अगर इसको हम ठीक उसमें लेटर एंड स्पिरिट जिसको बोलते हैं उसमें लागू कर लेंगे, तो ये हमारे एक तरह से नए भारत का जो भविष्य होगा उसके निर्माण में एक एक जिसको हम कहें मील का पत्थर हो सकता है। और विद्या को शिक्षा बनाया था जो पाश्चात्यवादी थे लोग, क्योंकि उन्होंने रोजगार से और जो धन, आप धर्म अर्थ काम मोक्ष की बात कर रहे थे कि अर्थ से उसको जोड़ दिया था, कि हमारी जो विद्या थी प्राचीन उसको शिक्षा बना दिया था मैकाले वाले सिस्टम से। अब हम उस विद्या को भी लाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें मैं आपको अगर एग्जाम्पल दूं, 64 कलाओं की बात की गई है और उन 64 कलाओं को नए क्लेवर के साथ, पेज नंबर 36 पे है आपके 1.11 में, उसमें तो उसमें आपका कलाओं की भी बात की गई, जो हमारे जिसके आप प्राचीन संस्कृति की बात कर रहे थे। और कहीं ना कहीं ठीक है अर्थ इंपॉर्टेंट है, उस रोजगार को जोड़ते हुए, ताकि जब हम आत्मनिर्भरता की बात कर रहे थे, सेल्फ रिलायंस की बात कर रहे थे,
लेकिन केंद्र में भारतीय परंपरा रहेगी, ऐसा इस पॉलिसी का जो विजन जिसको हम कह सकते हैं। और जो एक जो मेरे को अच्छा लगा इसमें, दे आर ट्राइंग टू कम आउट फ्रॉम द रोट लर्निंग प्रक्रिया है, मैं इसको कहूंगा रोट लर्निंग से जिसको रूट लर्निंग पे जा रहे हैं, हम जड़ों से जुड़ने जा रहे हैं। रोट लर्निंग को खत्म, रोट टू रूट, रोट लर्निंग को खत्म करके हम जड़ों से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। और यहां पे जो इंपॉर्टेंट होगा, व्हाट टू लर्न नहीं होगा, हाउ टू लर्न होगा। और एक जो आप आपने सवाल उठाया था गुड ह्यूमन बीइंग शायद इससे रिलेटेड, कि यहां पे जब होलिस्टिक डेवलपमेंट जिसमें आपका कैरेक्टर जिसकी हम बात करते हैं वो इशू मेन होगा, और उस कैरेक्टर के साथ साथ क्योंकि आज हम 21st सेंचुरी में है, यू रिक्वायर्ड सम स्किल्स, तो उन 21st सेंचुरी स्किल्स की भी बात की गई। और एक जो अच्छा लगा इसमें कि पहले तक जो पॉलिसीज थी मैक्सिमम हम लोग उस टाइम पे उस तरह से समझ नहीं पाते, लेकिन जो सुनते हैं जो पढ़ते हैं कि वो पॉलिसी बंद कमरों की पॉलिसी थी, एसी रूम में बैठ के या बंद कमरों में बैठ के ऑफिस बनी थी। लेकिन इसमें मेरे को ये अच्छा लगा, 2 लाख से भी ज्यादा सुझाव आप लोगों को पता है आए हैं मिनिस्ट्री के पास, कि 5P लगभग मिनिमम, उससे भी ज्यादा हो सकते हैं लेकिन मैं अपनी समझ से कह रहा हूं, 5P वहां पे थे। वो 5P क्या थे, बिल्कुल नीचे लेवल से लेके पंचायत लेवल से लेके P2P पार्लियामेंट तक, 76 पार्लियामेंटेरियन से भी कंसल्ट किया गया कि पंचायत पार्लियामेंट और उन दो छोटे और सबसे ऊंचे पी के बीच में हम लोग पीपल, फिर पीपल स्टूडेंट, फिर हमारे जो पेरेंट्स इवन, और इवन जिसकी प्रिंसिपल्स या हेड या लीडर्स कहें हम, और पब्लिक उसमें पॉलिसी मेकर, तो बहुत सारे पीज इसमें शामिल थे इस शिक्षा नीति को बनाने में, एक बड़ा जिसको हम कहें बड़ा। और बिल्कुल जो आप बात कर रहे थे हिंदी में 100 पेजों से ज्यादा है, लेकिन अगर मैं अंग्रेजी की बात करूं सिर्फ 60 पेज में, 64 पेज टोटल है जिनमें टोटल मिला करके, और 60 पेज में मतलब अगर उसको इन टोटो हम लागू कर लेते हैं दैट कैन क्रिएट वंडर। तो उस जिसको मैं कहता हूं कि ह्यूज कंसल्टेंसी, वो जो बॉटम अप अप्रोच जिसको हम बोलते हैं, बॉटम अप पार्टिसिपेशन सारे स्टेक होल्डर्स को, और इसको अगर हम जोड़े 6600 के लगभग ब्लॉक्स में कहते हैं वो पहुंचे हैं, 9000 से भी ज्यादा अर्बन एरियाज में, और 500 से भी ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स में, और 31 जो मिनिस्ट्रीज हैं डिफरेंट डिफरेंट, और 76 के अराउंड MPs हैं, और 2.5 लाख के करीब ग्राम पंचायत। और इस डॉक्यूमेंट को जब बनाया गया, शुरू किया गया, दैट वाज 26 जनवरी 2015 एंड इट वाज डिक्लेयर्ड ऑन द 29 जुलाई ऑफ 2020, तो दैट ह्यूज कंसल्टेशन वाज डन ड्यूरिंग दीज इयर्स, और दैट इज अबाउट 66 मंथ्स। तो नंबर ऑफ पीपल इसमें कितने इन्वॉल्व हो गए इनडायरेक्टली यू कैन इमेजिन, जहां पे 2 लाख के करीब सजेशन आए हैं, 70,000 से भी ज्यादा पेजों के सजेशन थे वहां पे। तो एक तरह से हम कहें अब लोगों को तो मिला दिया गया है, अब इसको इन टोटल लागू करने में वी हैव टू ज्वाइन अवर हैंड्स प्लस जिसकी आप बात करते हैं हार्ट, दिल से, अगर उसको हमने रियल में रियलाइज करना है उस पॉलिसी को। और एक जो मैं क्योंकि मैं अल्फाबेटिकली सोच रहा था इसको, अल्फाबेटिकली तो ज्यादा लंबा हो जाएगा, एक ही अगर मैं बात करूं तो इसमें नो डाउट पहले भी पॉलिसीज में इसमें फर्क क्या है जो अगर हम देखते हैं, ए मींस एक्सेसिबिलिटी स्कूल लेवल से लेकर के और हायर एजुकेशन तक एक्सेसिबिलिटी, और जो हम GER बढ़ाने की बात करें, इवन 50% में का टारगेट रखा गया हायर एजुकेशन में भी, अवेलेबिलिटी नॉट ओनली एजुकेशन बट क्वालिटी एजुकेशन, फिर मैं असेसमेंट की चेंज की भी बात की गई है, और वहां पे ए मींस आर्ट एंड कल्चर को भी इंपोर्टेंस दी गई। और एक जो इसमें अच्छा फीचर लगा प्रीवियस फिलोसफी हमारी जो पॉलिसीज हैं उसको टी से डिनोट करता हूं, टी मींस टाइम बाउंड, एवरीथिंग इज टाइम बाउंड, आपके पास टाइम लाइन है इस 2020 से लेकर के 2030 तक आपने ये करना है, 2035 तक ये करना है, अगले 30 साल में, 20 साल में, 15 साल में, तो दैट इज टाइम बाउंड। और एक टी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी आर इंप्लीमेंटिंग न्यू पॉलिसी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग पार्ट,
स्पेशली ट्रेनिंग ऑफ द टीचर्स, और उसके साथ साथ जो भारतीयता की बात की गई है, भारतीय ज्ञान परंपरा की बात की गई है, कि जितना भी हमारा ज्ञान पारंपरिक भाषाओं में हमारी जो भाषाएं हैं जब उनको हम बात करते हैं तो उनमें ट्रांसलेशंस की बात की गई है, बुक्स की, जो अच्छी बुक्स है। और एक टीम है जिसको कहता हूं वो तो मॉनिटरिंग, लेकिन मैं उसको कहता ट्रैकिंग। आपने ये नहीं कह दिया नहीं करोगे, नो नाउ दे विल ट्रैक। आपने जो भी गाइडलाइन, जो भी आपने अपना प्लान दिया है, नाउ यू हैव टू दैट प्लान, दैट इज ट्रैकिंग सिस्टम। वो कितना हो पाएगा दैट इज फ्यूचर की बात है। और एक टेस्ट टीम मींस टेस्ट, टेस्ट का मतलब है यहाँ दे आर फोकसिंग ऑन द फॉर्मेटिव असेसमेंट। और जैसे हमने स्कूल एजुकेशन में सीसी इंप्लीमेंट किया था, वो सक्सेस हुआ था, फेल हुआ था, मैं उस पर नहीं जा रहा, बट दे आर प्लानिंग टू इंप्लीमेंट दैट टाइप ऑफ सिस्टम इन द टेस्ट फॉर्मेटिव असेसमेंट असेसमेंट सिस्टम। तो दैट इज टी। और आई, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस पॉलिसी। आई मीन्स इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मैंने कहा जो बंटवारे को खत्म कर रहा है, आर्ट साइंस का, वो वोकेशनल नॉन वोकेशनल, वो वाली बातें सारी। एजुकेशन का मतलब एजुकेशन है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट की, आई इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर वी रिक्वायर्ड। और तीसरा जो इन्वॉल्वमेंट की मैंने बात कर ली, कि इतने लोगों को हमने इन्वॉल्व किया। देन कम्स टू द नेक्स्ट ई। ई मीन्स एनकरेजमेंट, ई मीन्स यू कैन से इक्विटी। और एक जो ई मैंने जोड़ा है दैट इज इजी एंट्री, जिसको आप मल्टी एंट्री और लिस्ट रिस्ट्रिक्टिव एनवायरमेंट की बात करते हैं। और एम्फेसिस ऑन द लर्निंग आउटकम्स। और एक जो आपका सवाल था कि हम कैसे शिक्षा और विद्या को, और कैसे हम उसको शील सत्य और आगे चीजें, उसके लिए उन्होंने कम्युनिटी एंगेजमेंट पे, एंगेजमेंट विद द कम्युनिटी फॉर द एक्सपीरियंशियल लर्निंग, तो उसकी भी बात आपके साथ की है। और उसको फिर अर्थ, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इम्प्लॉयबिलिटी के साथ भी हम वोकेशनल एजुकेशन ला करके इम्प्लॉयबिलिटी के साथ भी उनको हम जोड़ रहे हैं। और एग्जिट ऑप्शन भी उसमें है जैसा आपने पढ़ा। और अगर हम इन सारी चीजों को मिला देते हैं, करिकुलम की, उन्होंने करिकुलम डेवलपमेंट की बात की है, उसकी बात मैं करूंगा, और उसके साथ साथ चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग बनाने की बात की है, कंप्यूटेशनली बेस्ड लर्निंग की बात की है, और ब्लेंडेड लर्निंग की है, टेक्नोलॉजी की बात की है, और ट्रांसफॉर्मेशन, टी मींस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम की बात की है। और आई बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंडिया से भारत पे जाने की बात, जो सवाल आप पूछ रहे थे, इंडिजीनियस नॉलेज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस डॉक्यूमेंट, दैट विल इंक्लूड एवरी एस्पेक्ट, स्कूल से लेकर के हायर एजुकेशन तक, क्वालिटी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से लेकर के आपकी रिसर्च, क्वालिटी रिसर्च तक, टीचर ट्रेनिंग का पूरा जो स्ट्रक्चर उस तक। तो उसमें इंडिया टू भारत जो ट्रांसफॉर्मेशन की बात की गई है, और उसमें हम एक, आई का मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। हम वोकेशनल एजुकेशन पे भी आएंगे, क्योंकि ड्रॉप आउट की जो समस्या है वो उसको हल कर सकते हैं। और अगेन ओ, अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटीज फॉर व्हाट? अपॉर्चुनिटीज फॉर द ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग टू अटेन द टारगेट ऑफ GER अप टू 50%। एंड देन कम्स टू जो, अगर हम इन सारी चीजों पे बात कर लेते हैं, तो जो उच्च शिक्षा की बात हम नहीं करेंगे, जो सिर्फ डिग्री वाली उच्च शिक्षा नहीं, मैं उसको कह सकता हूँ उच्च शिक्षा के साथ साथ उत्तम शिक्षा मिलेगी जिसकी आप दरकार कर रहे थे। तो उच्च शिक्षा तो हम अभी भी ले रहे हैं, लेकिन उच्च शिक्षा में उत्तमता हो, उत्तम शिक्षा की अगर हम बात कर पाए, तो वो वहां जिसको हम बात करते हैं एजुकेशन फॉर ह्यूमैनिटी। हम सभी एजुकेशन सर दे रहे हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हो, लेकिन मानवता की शिक्षा कहाँ है? मानव कब बनेंगे, वो कौन सी एजुकेशन होगी? तो कहीं ना कहीं उन सारे जो ग्लोबल सिटीजन भी बनाएंगे नो डाउट, लेकिन उसमें भारतीयता का जो इनपुट है वो भी आएगा। तो भारतीयता की बात भारतीय शिक्षा नीति में की गई है, उसको हम कह सकते हैं। और एक जो देख रहा था उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है सर, अगर हम उसको मैं उसको कहता हूँ विजन को, अगर मैं देखूं विजन को, मैंने डिवाइड किया 3S और 3E's। 3S और 3E's, व्हाट इज द विजन, वो उसमें मैं 3E और 3S में आपको बता देता हूं सिंपली। 3S इज सक्सेस
सस्टेनेबिलिटी फॉर द सोसाइटी. अगेन आई रिपीट, सक्सेस विद सस्टेनेबिलिटी फॉर द सोसाइटी, दैट इज द यू कैन से थ्री एस इन द विजन. एंड थ्री ई मीन्स इक्विटी with excellence. Excellence means we are talking about quality education. Equity with excellence for everybody, जो inclusion की बात करते हैं. तो 3S and 3E वाला मेरे को लगा ये कहीं ना कहीं बीच है, जो local से लेकर के और global की बात हम करते हैं. और कहीं ना कहीं जो हम education में देखते हैं, जो 3R तक हम रह जाते थे, तो 3H गांधी जी के अगर इसमें जोड़ दिए हैं, तो वो हम कह सकते हैं दैट बिकम होलिस्टिक एजुकेशन नाउ. तो होलिस्टिक उसमें वेल राउंड वर्ड यूज किया गया है इस डॉक्यूमेंट में बार बार. तो वो वेल राउंडेड डेवलपमेंट क्या होगी, जो मैंने कहा था कि 2047 में जब हमारी दो जनरेशन आए, तो वहां पे किस टाइप का सिटीजन हमें चाहिएगा, जिन आपकी जो शील सत्य अरुण की बात कर रहे थे, तो हमें उस टेक्नोक्रेट से ज्यादा, टेक्नोक्रेट्स भी चाहिए नो डाउट, मैं उसका विरोधी नहीं, लेकिन टेक्नोक्रेट से ज्यादा हमें ट्रस्टीड चाहिए. हमें जो जो कहते हैं एबिलिटी जिसमें हो क्वेश्चनिंग की, प्रॉब्लम्स को टैकल करने की. और वो जो आज का दौर चल रहा है ना, यस मिनिस्टर, यस वाला, यस मिनिस्टर नहीं. अगर हम पॉलिसी को ठीक से लागू करेंगे, यस मिनिस्टर की जगह हमारे यंगस्टर आएंगे, जो जिसके आप उच्च शिक्षा के माध्यम से उत्तम शिक्षा की बात आप करते हो. क्योंकि हमारा अब फोकस जो होगा, वो मैंने बताया था कि व्हाट टू लर्न पे नहीं होगा, हाउ टू लर्न, दैट विल बी इम्पोर्टेंट. जिसको हम सामाजिक, हमारी जो संरचना होगी, चुनौतियां क्या है समाज की, उनको लेकर के हम रिसोर्सिस को यूज करेंगे, रिसर्चिस को यूज करेंगे, रणनीति बनाएंगे. तो कहीं ना कहीं समाज में समस्याएं हैं, उन समस्याओं के हल की तरफ भी हमारी जो पॉलिसी बढ़ेगी. और उसके साथ साथ बहुत सारे इसमें जो मैं एक एक करके थोड़ी थोड़ी बात उन पे करूंगा चर्चा, कि जो हायर एजुकेशन है, दैट इज स्टार्टेड फ्रॉम द, इसमें मैंने आपको बताया नहीं शायद, 27 चैप्टर हमारे चार पार्ट्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट पार्ट दैट इज रिलेटेड विद द स्कूल एजुकेशन, जो हमारा सेकंड पार्ट है, हायर एजुकेशन को डील करता है, चैप्टर 9 to 19. तो 9 से लेकर 19 चैप्टर तक हमारा जो हायर एजुकेशन है, तो उसमें सबसे पहले जो बात की गई, दैट इज क्वालिटी यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज. अब ये क्वालिटी यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज क्या होंगे, ये है जो आप भारत की बात कर रहे थे, विजन फॉर द इंडिया. तो वो कैसे होगा, जहां पे हम प्रमोट करेंगे जिसको हम बोले ह्यूमन वैल्यूज को, और उसको उसके साथ साथ जितनी भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, और कैसे हम सस्टेनेबल सोसाइटी के लिए सस्टेनेबल लाइवलीहुड की बात करेंगे, और कैसे हम नेशन की डेवलपमेंट की बात करेंगे, वो सारा इसमें जो कैसे हम उसको नॉलेज इकोनॉमी बनाएंगे उसके लिए, क्योंकि 21st सेंचुरी में हमें नॉलेज इकोनॉमी के साथ भी चलना होगा, टेक्नोलॉजी के साथ भी चलना होगा. और कहीं ना कहीं जिसको हम कहते हैं स्पेशलाइजेशन, तो स्पेशलाइजेशन इन वन एरिया की भी बात उन्होंने की है ग्रेजुएशन लेवल पे. और रेंजेस ऑफ यू कैन से डिसिप्लिन आर देयर. अब उसको उसमें आपके साइंस, सोशल साइंस, जो मैंने कहा था कि एक तो वो जो दीवार थी, जो हायरार्की थी, साइंस वाले बच्चे अच्छे, नॉन साइंस वाले नहीं है, दैट टाइप, वोकेशन वाले तो वो जो ड्रॉप आउट होते हैं वो होते हैं, नो. तो वो जो हायरार्की थी या दीवार थी, उस दीवार को, डिसिप्लिन आर देयर, तो उस दीवार को तोड़ने की कोशिश की गई है. और एक जो इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट है, वो कोरोना के कारण रह गया, नहीं तो यूजीसी ने उसका प्लान पहले से भी तैयार था नो डाउट, कि कम्युनिटी एंगेजमेंट का पार्ट अब बढ़ेगा. बिकॉज हम सिर्फ किताबों से बढ़ के कम्युनिटी को नहीं सीख सकते. मैं कई बार देखता हूं, जब भी विदेश में जाते हैं, सोशल साइंसेज इज एप्लीकेबल और दे आर इंटरेस्टेड इन द सोशल साइंसेज, बट हमारे यहाँ सारे साइंस पढ़ना चाहते हैं. अब दिक्कत क्या है कि हम वहां पे एप्लीकेबिलिटी कम दिखती है हमें, क्यों, क्योंकि हम समाज से जुड़ते नहीं है. सोशल साइंस भी नो डाउट एप्लीकेबल है, लेकिन हम उससे क्योंकि रूबरू नहीं होते उन चीजों से. तो कोशिश की गई है कि कम्युनिटी एंगेजमेंट को ज्यादा से ज्यादा आपके उसको बढ़ाया जाए, और मोर जो मीनिंगफुल है आपके एक्टिविटीज वो की जाए. और उसके साथ साथ प्रिपरेशन फॉर द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स, ये बड़ा जरूरी है, क्योंकि जब तक हम कम्युनिटी के साथ एंगेज नहीं होंगे, कम्युनिटी के प्रॉब्लम को नहीं जान पाएंगे. मैं उदाहरण देता हूं आपको जापान का. जापान में जो रिसर्चेज हैं, वो सारी की सारी सोसाइटी ओरिएंटेड रिसर्च है. मैं आपको बिल्कुल एक
सीधा सटीक सा जवाब दे सकता हूं, अगर हम अगले 5 साल तक इस ट्रैक पे आने के लिए अगर हम अपने रिसर्चेज का रुझान उस सोसाइटी की तरफ मोड़ दें, रिसर्च मेरे स्टूडेंट्स की मेरे एकेडमिक एरिया से नहीं होगी, जो मेरे सोसाइटी की समस्या है, चाहे वो पीजी लेवल की रिसर्च है, चाहे यूजी लेवल की, चाहे पीएचडी लेवल की रिसर्च है, क्योंकि एमफिल की तो खत्म की बात की गई है, तो उस वो कम्युनिटी अगर आ जाएगी तो मैं कह सकता हूं आपका जो इम्पैक्ट फैक्टर, आपका जो इनोवेशन, आपकी क्वालिटी रिसर्च, ये चीजें अपने आप इंपोर्टेंट, मतलब अपने उठाए, जैसे पर्यावरण की बात है, तो मैं कहता हूं पर्यावरण शिक्षा तो हमें पहले भी एक सब्जेक्ट के रूप में दी गई, स्वच्छता अभियान पूरे देश में चलाया गया, लेकिन वो तब तक नहीं आएगी जब तक वो आपके बिहेवियर में नहीं आएगी। अब उसका सिंपल सा उदाहरण देता हूं मैं कि ये जो कोरोना वाला संकट है, ये ठीक है एक खास देश द्वारा किया गया, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं हमने अपनी आदतें या पर्यावरण को बचाने की जो हमारी जो पहल हमने नहीं की, उसके कारण भी हम ज्यादा सफर कर रहे हैं। अगर हमारे व्यवहार, हमारी आदतें ठीक होती तो शायद कहीं ना कहीं हम आज इतना बड़ा संकट नहीं बन पाता पूरे विश्व भर के लिए। तो कहीं ना कहीं वो जो आप विकासवादी प्रवृत्ति की बात कर रहे थे कि सारे मुल्कों को नाज था अपने अपने परमाणु पर, सारे मुल्कों को नाज था अपने अपने परमाणु पर कायनात बेबस हो गई एक छोटे से कीटाणु पर। क्यों? क्योंकि हमारी आदतें ऐसी थी। गांधी जी बड़ा अच्छा लिखते थे कि हम सबकी जरूरतों को पूरा किया जा सकता है, लेकिन किसी की ग्रीड को पूरा नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या हमने उस पर्यावरण शिक्षा के माध्यम से आज तक समझने की कोशिश की है कि हम ग्रीड कल्चर में ना जिए, नीड कल्चर में जिए, मेरी जरूरत क्या है? क्या हमें शिक्षा ने ऐसा सिखाया? क्या हम शिक्षा के द्वारा ऐसा सीख पाए जहां हम इकट्ठा करते गए? भोग तो भोग की संस्कृति, लेकिन हमारा तो वेद पहले से सिखाता है तेन तक तेन भुंजे, लेकिन हमने उसको पढ़ा ही नहीं और पढ़ाया नहीं गया, कहने का मतलब हम उस पे आ ही नहीं पाए। तो दिक्कत वहां पे आती है जहां पे हम नीड कल्चर को छोड़ के ग्रीड कल्चर पे आते हैं। तो अब इस पॉलिसी में मैं बताऊंगा आपको 11.8 पॉइंट में है वो, जहां पे एनवायरमेंट और इन विषयों की भी बात की गई है कि हम ग्रीड कल्चर से, जो मेरा मानना है ग्रीड कल्चर से नीड कल्चर पे आए, और उससे भी ज्यादा ग्रीड कल्चर से ग्रीन कल्चर पे आए। आज हमने क्या क्या प्रोग्राम करते हैं, आपके फंक्शन करते हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी में, घर में हम क्या करते हैं, प्लास्टिक की चीजें यूज करते हैं, थ्रो कर देते हैं, यूज एंड थ्रो की कल्चर। क्या हमने कभी सिखाई यूज एंड ग्रो की कल्चर? तो हमें सिखानी होगी यूज एंड थ्रो की कल्चर, नहीं यूज एंड ग्रो की कल्चर, ताकि हम उनको समझा पाए, उन जो हमारे खासकर भावी पीढ़ी के युवा है उनको बता पाए कि इस धरा का इस धरा पर सब धरा रह जाएगा और तू खाली हाथ आया था, तू खाली हाथ जाएगा। तो क्या हमारे पर्यावरण में ऐसे विषय थे या हम उनको समझा पाए? और आप एक सवाल था आपका, रोटी कपड़ा मकान तक हम सीमित रह गए, लेकिन इस पॉलिसी में मैं आगे जाऊंगा आपको बताऊंगा सर, जो आज का आपका जो कोरोना संकट चल रहा है इसके भी इश्यूज की रिसर्च इस टाइप से हो, जो पेंडेमिक और एपेडेमिक इस टाइप की रिसर्चेस भी उस पे फोकस की बात की गई है। और आज की अगर मैं कहूं, मैं अपने शब्दों में, क्योंकि मैं साइंटिस्ट नहीं, मैं तो सोशल साइंस का विद्यार्थी हूं, तो मैं उसको दूसरे तरीके से लेता हूं। जब हम पढ़ते थे हमें पढ़ाया जाता है रोटी कपड़ा और मकान तीन मूलभूत जरूरतें, लेकिन मैं इस संकट में जब देख पाया तो यहाँ पे तीन जरूरतें और उभर के आ गई, वो है आपकी दवाई, पढ़ाई, सफाई। तो वो पढ़ाई किस टाइप की होगी, दवाई क्या रिसर्चेज की हम बात कर रहे हैं, और सफाई का मतलब पूरे पर्यावरण की हम बात कर रहे हैं। तो हमें कहीं ना कहीं इस बात पे सोचना होगा। तो हम वो जो मैं बात कर रहा था कि ये पॉलिसी बात करती है प्रिपरेशन फॉर द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम पूरी की पूरी, चाहे वो इकोनॉमी की प्रॉब्लम हो, चाहे आपकी सोसाइटी की प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम, और उन प्रॉब्लम्स को दूर करके हाउ वी कैन क्रिएट द यू कैन से गुड हैप्पियर और यू कैन से such type of youth, so they can help in the making India a good nation or you can say progressive nation or prosperous nation. बहुत सारी problems का उन्होंने जिक्र किया, मैं उन problems क्योंकि हम लोग सारे जानते हैं, लेकिन उन problems के solution के लिए जो मैं अपने शब्दों में कहूँ, 5M पे बड़ा जोर दिया गया है, उनके solutions कैसे होंगे। problems बहुत सारी, मैं उन पे नहीं जा रहा कि local language की थी आपकी, institutional autonomy की थी, प्रोग्रेशन ऑफ फैकल्टी की थी, लैक ऑफ कॉम्पिटिटिव पीयर रिव्यूड रिसर्च की थी,
यूनिवर्सिटी के एफिलिएशन के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, उन पे नहीं जा रहा, लेकिन उन प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस के लिए क्या किया है उसको मैं कह रहा हूं 5M. 5M क्या है मेरे, कि दे हैव फोकस्ड, फर्स्ट एम इज मैन, मैन मीन्स टीचर्स, मैन मीन्स स्टूडेंट्स, मैन मीन लीडर्स. सेकेंड एम इज मटीरियल, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर और अदर मटीरियल्स. एंड थर्ड एम इज, माई थर्ड एम इज मेथड्स, पढ़ाने के तरीके अब क्या होंगे स्कूल से लेकर कॉलेज लेवल तक, पूरा बदलाव. और चौथा एम आई इज मेजरमेंट, जिसको मैं असेसमेंट बोल रहा था. एंड फिफ्थ इज मैनेजमेंट, व्हाट विल बी द रोल ऑफ इंस्टीट्यूशनल लीडर्स. तो 5M पे फोकस की बात की गई है, सो वी कैन ओवर, और यू कैन से ओवरहॉलिंग ऑफ द और टोटल हायर एजुकेशन. वहां पे इक्विटी की बात है, वहां पे इंक्लूजन की बात है, वहां पे एक्सेस की बात है. तो उनको पॉलिसी में जो विजन कहता है वो क्या है, एक तो आपका मल्टी डिसिप्लिनरी, मैंने पहले भी कह चुका हूं कि आपका जितने भी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज होंगे नाउ दे विल बी मल्टी डिसिप्लिनरी, और एटलीस्ट वन हर पर डिस्ट्रिक्ट उन्होंने एक देने की बात की है अगर जहां पे नहीं है. और उसमें मीडिया फॉर इंस्ट्रक्शन की बात की गई कि आपकी लोकल लैंग्वेज और जो इंडियन लैंग्वेज है उनको प्रमोट किया जाएगा, और मोर मल्टी डिसिप्लिनरी अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन जो कॉलेज लेवल पे. और एक बात जो विजन में की गई है, मूविंग टुवर्ड्स द फैकल्टी एंड इंस्टीट्यूशनल अटोनमी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब तक आपको अटोनमी नहीं होगी एज अ इंस्टीट्यूशन और एज अ यू कैन से टीचर, तो यू कांट डू एनीथिंग. तो उस अटोनमी की बात की गई है. फिर रिवैम्पिंग ऑफ द करिकुलम, पेडागोजी असेसमेंट की बात मैं, स्टूडेंट सपोर्ट ये पहले कर चुका हूं. और एक अगर हो जाए तो, मैं अभी आश्वस्त नहीं हूं, अगर हो जाए तो दैट विल बी अ ग्रेट यू कैन से लेवलर फॉर द एजुकेशन सिस्टम, दैट इज मेरिट बेस्ड अपॉइंटमेंट. ये हो जाए तो अच्छा है, गॉड से हम प्रेयर करें, मेरिट अपॉइंटमेंट एट ऑल द मे बी लीडरशिप पोजीशन और मे बी एट द स्टाफ लेवल. एंड वन दैट इज वेरी गुड इनिशिएटिव, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ NRF, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, फंड्स अलग से जनरेट करेंगे जो आपके रिसर्च पर्पज के लिए. और गुड गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस की हाई क्वालिफाइड इंडिपेंडेंट बोर्ड, जैसे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बात की गई है यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के लिए, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बात, उसमें जो हायर लेवल के एकेडमिशियन होंगे और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस वाले लोग जो होंगे वो होंगे. और उसको एटोनमी की बात की गई है, वहां पे किसी का जो कंट्रोल नहीं होगा बोर्ड, तो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स देखेगा. ये शायद उसमें IITs वगैरह में अभी भी है नो डाउट, बट सारे इंस्टीट्यूशन की हम बात कर रहे हैं. एंड लाइट बट टाइट रेगुलेशन, सिंगल रेगुलेटर फॉर हायर एजुकेशन, दैट इज हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया. उसमें चार पार्ट फिर होंगे, मैं आगे बात करूंगा. ये सारी चीजें क्यों हो रही है, सो वी कैन इंक्रीज एक्सेस, इक्विटी और इंक्लूजन. तो उसमें आपका, और उसके लिए एक जो 50% GER है उसमें एक एफर्ट और किया गया है कि सारे जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होंगे दे विल ट्राई टू गो ऑन जो रेगुलर मोड है एज वेल एज ODL, ओपन डिस्टेंस लर्निंग को भी हम प्रमोट करेंगे. सो वी कैन एंटर जो आपके किसी ना किसी वजह से वो छोड़ जाते हैं उनकी एंट्री के लिए. एनीवे, और एक बात की गई है इंस्टीट्यूशनल रिस्ट्रक्चरिंग एंड कंसोलिडेशन. उसमें क्या है कि हम जो जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उनकी रिस्ट्रक्चरिंग करेंगे सारे की. अब उससे क्या होगा, उससे जो आपका सवाल था, जो हमारे खासकर यूथ स्टूडेंट्स है, दे विल बी वेल राउंडेड अक्रॉस डिसिप्लिन इंक्लूडिंग, उनमें क्या जोड़ा जाएगा, चाहे साइंस पढ़ रहा है चाहे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहा है जिसकी आप बात करते हैं मानवता की, दैट इंक्लूड आर्टिस्टिक, क्रिएटिव एंड एनालिटिक सब्जेक्ट एज स्पोर्ट्स और अदर एक्टिविटीज जो हमारी होती है. दीज ऑल विल बी नाउ नॉट, प्रीवियसली वी आर कंसीडरिंग देम एज अ को करिकुलर एक्टिविटी और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, नाउ दीज एक्टिविटी विल बी द पार्ट ऑफ आवर यू कैन से मेन स्ट्रक्चर, मेन जो करिकुलम है, मेन जो है उसका पार्ट होंगे. नाउ इट विल बी जो करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर की बात नहीं होगी यहाँ. और एक जो मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी एंड हायर एजुकेशन क्लस्टर, मल्टी डिसिप्लिनरी मीन्स जहां कुछ अब देखते हैं हम, कुछ एक यूनिवर्सिटी में दूसरे सब्जेक्ट के लिए हमें तीसरी यूनिवर्सिटी में, तीसरे के लिए चौथी यूनिवर्सिटी में जाना पड़ता है. तो नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज एंड हायर एजुकेशन क्लस्टर. जैसे स्कूल में क्लस्टर की बात की गई है, तो यहाँ पे भी जो एटलीस्ट जो मैंने कहा था कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक आपके, और वो किस पे बेस होगा, जो आपका सवाल था उसी का जवाब फिर है कि हम जब तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी, विक्रमशिला ये बना सकते हैं, वहां जब हम स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं,
तो आज तो हमारे पास उससे ज्यादा जिसको हम कई साधन संसाधन है, तो आज क्यों नहीं हम उस वेल राउंडेड और इनोवेटिव इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं जो हमने पहले करके दिखाया है। और टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन, तीन टाइप के इंस्टीट्यूशन की बात की गई थी, ये एक आपकी यूनिवर्सिटीज, और यूनिवर्सिटी मींस मैं पहले बता दूं आपको, यूनिवर्सिटी मींस अब यूनिवर्सिटी होगा कोई डीम्ड यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, सरकारी यूनिवर्सिटी, इस तरह के सारे जो दीवारें थी वो खत्म करके यूनिवर्सिटी मींस यूनिवर्सिटी है, तो वो उसमें सारे का दैट इज यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी मींस हियर मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग, और उसमें अंडर ग्रेजुएट भी और ग्रेजुएट प्रोग्राम्स भी हाई क्वालिटी के, जहां पे टीचिंग का फोकस होगा, रिसर्च का फोकस होगा, कम्युनिटी एंगेजमेंट, तीन चीजें बड़ी हैं। तो इसमें कैटेगराइज किया गया है, एक होगी रिसर्च इंटेंसिव यूनिवर्सिटी, यहाँ पे रिसर्च फोकस होगी, टीचिंग भी होगी नो डाउट, लेकिन फोकस ज्यादा किस पे रहेगा, रिसर्च पे। दूसरी टाइप की यूनिवर्सिटी होगी टीचिंग इंटेंसिव यूनिवर्सिटी, यहाँ पे टीचिंग फोकस होगी, रिसर्च भी होगा लेकिन टीचिंग फोकस होगी। और तीसरा जो आपका अभी नहीं होगा लेकिन धीरे धीरे उसको बोल रहे हम, ऑटोनॉमस ग्रांटिंग कॉलेज, तीसरी कैटेगरी, जो वहां पे स्पेशली जो मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट होगा वहां भी। एसडी कॉलेज अंबाला तो बहुत सारे कोर्सेज हैं, लेकिन जो गांव में कॉलेज है उसमें बहुत सारे कोर्सेज नहीं है, तो वो बच्चा कहाँ जाएगा। ये जितने भी कॉलेज है उनको मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन, और उसके साथ साथ जो मैक्सिमम काम करेंगे अंडर ग्रेजुएट डिग्रीज पे, और उसके साथ साथ धीरे धीरे वो थोड़ा थोड़ा रिसर्च करके, और दे विल ट्राई फॉर द जो टिपिकल यूनिवर्सिटी। तो दैट इज जिसको हम बोलते हैं धीरे धीरे वो ग्रेडेड ऑटोनॉमी के साथ ऊपर जाते जाएंगे। और वहां पे जो ग्रेडेड ऑटोनॉमी की बात की गई है, ग्रेडेड ऑटोनॉमी किस लिए, कि जो जितना काम करे उस हिसाब से उसकी ऑटोनॉमी, उस हिसाब से उसकी स्वायत्तता, उस हिसाब से उसकी फंडिंग, उसका मतलब वहां पे वो है जो जो बेंच मार्क सेट होंगे, अगर आप उनको अचीव करते जाते हैं, आपका फंडिंग का पैटर्न, आपका ऑटोनॉमी का पैटर्न, वो आपका चेंज होता जाएगा। तो कहीं ना कहीं बेसिकली इसका पर्पज क्या है कि हम एक प्रॉपर मैकेनिज्म डेवलप करेंगे इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू, जहां पे एक्रीडेशन का प्रॉपर सिस्टम होगा, और एक्रीडेशन के बाद अगर वो ऑटोनोमस डिग्री कॉलेज है, अगर वो रिसर्च इंटेंसिव हो करके और टीचिंग इंटेंसिव हो करके, वो दोनों तरह की यूनिवर्सिटी में भी वो उसको हम अपग्रेड कर सकते हैं। तो ये क्या है कि आपके पास ऑटोनोमी है किस चीज की, एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड में, एक कैटेगरी से दूसरे कैटेगरी में जाने, क्योंकि हायर एजुकेशन जो बड़ी एक कहेंगे क्रूशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उसके लिए क्योंकि कम्युनिटी की जो डेवलपमेंट है वो डिपेंड करेगी हमारी हायर एजुकेशन और उसकी आउटपुट पे, तो इसलिए हमने कम्युनिटी एंगेजमेंट और सर्विस को भी, उनकी बहुत सारी जो प्रैक्टिसेस हैं उनको ऐड किया है इसमें। और बाय 2040 मतलब 20 साल बाद ऑल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बिकम मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन, क्योंकि आप अगले साल से कहो तो ऐसा तो नहीं होगा पॉसिबल, बहुत सारी चीजें हैं, तो 2040 तक सारे के सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आपके मल्टीडिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस होंगे, जो एक उनका पर्पस क्या होगा, जहां पे ये नहीं कि गांव में आपका कॉलेज 300 में भी चल रहा है, पॉलिटिकल वो थोड़ा सा आपको मैं उस पे नहीं जा रहा कि पॉलिटिकल एंगल के कारण बहुत सारे कॉलेज जहां पे जो सुविधाओं के बगैर भी खोल दिए गए सारे स्टेट्स में, नॉट ओनली आवर स्टेट बट सारे स्टेट्स में, तो उस तरह से नहीं होगा, जहां पे आप इंस्टीट्यूशन मल्टी डिसिप्लिन इंस्टीट्यूशन का मतलब होगा जहां पे आप हजारों बच्चों को उनकी चॉइस के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट दे पाओ, तो वो आपका उसके अकॉर्डिंग रिसोर्सेज दे पाओ, और दे कैन मेक द प्लान टू बिकम मल्टी डिसिप्लिनरी बाय द 2030। तो 2030 तक धीरे धीरे और ग्रेजुअली जो उनकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, और 2040 तक ऑल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बिकम द MDI दैट इज मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन। फिर एक बात की गई, जितने भी हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, जो मैंने बताया कि हर डिस्ट्रिक्ट में कोशिश की जाएगी 2030 तक एक एजुकेशन, ताकि वो 50% GER का जो लक्ष्य है, अभी हम सिर्फ 26% के लगभग पहुंचे हैं, 2018 का हमारा आंकड़ा बताता है कि हम 26.3% तक पहुंचे हैं, और वो भी कागजी आंकड़े कितने, रियलिटी में कितने वो हम उस लेवल के ग्रेजुएट पैदा कर पाते हैं, वो भी एक सवाल है। तो इस जो GER को बढ़ाने के लिए तीन एफर्ट्स मेरे को अच्छे लगे, इसमें तीन एफर्ट्स क्या किए उन्होंने, वन इज कि जो प्राइवेट कॉलेज भी है इवन, वो आपके स्कॉलरशिप का प्रोविजन करेंगे फिलंथ्रोफी के थ्रू, या जो स्कॉलरशिप जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन उसमें फीस में रिलैक्सेशन या इस तरह से, वो एक तो वो GER को बढ़ाने में मदद करेगा, और एक जो अच्छा प्रयास है ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू, और ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग क्वालिटी की बात होगी, जहां पे आपका टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन भी होगा, और थर्ड जो आपका
इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एंड वोकेशनल कोर्सेज और वोकेशनल एजुकेशन, क्योंकि अकेला डिग्री नहीं देनी उसको, किसी रोजगार या उसको इम्प्लॉयबिलिटी जो उसने हमें अचीव करनी है, और एक मल्टीपल एंट्री एग्जिट, वो जो मैंने बताया था पहले भी कि आप कभी भी आ सकते हैं, आपका क्रेडिट बैंक का सिस्टम होगा, एकेडमिक क्रेडिट बैंक बोलते हैं उसको, एबीसी होगा, एकेडमिक बैंकिंग ऑफ क्रेडिट। तो उसमें क्या है, जब आपके क्रेडिट आप जो पहले आपने जमा किए थे, फॉर एग्जाम्पल मैं किसी गरीब परिवार से आता हूँ, मैं 2 साल के लिए ग्रेजुएशन में पढ़ा लेकिन मेरी आर्थिक स्थिति ने अलाउ नहीं किया, तो मैं 2 साल फिर कहीं ना कहीं जो अपना काम है वो करने चला जाता हूँ छोड़ के, जब मैं 2 साल बाद इतने पैसे हो जाते हैं मैं दोबारा से ज्वाइन कर सकता हूँ। तो इस तरह से क्या है, वो जो आपका एबीसी काम आएगा, एकेडमिक जो बैंक ऑफ क्रेडिट सिस्टम है, वो आपके काम आएगा। तो वो मल्टीपल एंट्री एग्जिट बड़ा अच्छा है उसको, और जो पर्पज है उसका, और जीईआर का मेन पर्पज जो है दैट इज इंक्लूजन, और इंक्लूजन के लिए जेंडर इंक्लूजन फंड की अलग से व्यवस्था की बात की गई है। तो वो एक अच्छा मुहिम है, अगर हम 50% तक के लक्ष्य को 2030 तक हम ले लेते मतलब पा लेते हैं, और दैट विल बी अ गुड इनिशिएटिव। और एक कोशिश की गई है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है हमारे 4 जो एजुकेशन से रिलेटेड है, उसके साथ इसको जोड़ने की, जो उसके स्टैंडर्ड्स है, जो उसके स्टैंडर्ड फॉर डिग्री डिप्लोमा की बात की, कि हमारे डिग्री डिप्लोमा की इक्विवेलेंस की दिक्कत आती है जब विदेश में जाते हैं, तो उसके लिए भी आपके चाहे वो ओपन डिस्टेंस लर्निंग से हो, चाहे रेगुलर से हो, चाहे ऑनलाइन प्रोग्राम हो, तो उनकी आपकी इक्विवेलेंसी की और स्टैंडर्ड की भी बात की गई है। तो उसके साथ साथ जो एक बड़ा अच्छा लगा मेरे को कि एंड ऑफ द स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशन, एक ही तरह की शिक्षा जो कॉलेज देता है, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन देता है, वो नहीं रहेंगे, वो मैंने पहले बताया कि मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन आपको बनाने ही होंगे, ताकि हम जो उस की बात करते हैं। और जब हम ये क्रिएट कर लेंगे, सर्टेन जो क्राइटेरिया हम अचीव कर लेंगे, देन वो जो फुल अटोनमी की बात बार बार मैंने कहा, अटोनमी होगी आपकी परफॉर्मेंस बेस, ऐसे नहीं कि सबको अटोनमी, अब सारे बराबर हैं, जो नहीं परफॉर्म कर रहा है एसडी कॉलेज अच्छा कर रहा है वो भी बराबर है, जो एक कॉलेज अच्छा नहीं कर रहा वो भी बराबर है, नहीं ऐसा नहीं होगा। तो वो अटोनमी का मतलब वहां पे थोड़ा डिफरेंट है। और जो मैंने कहा था कि एक दीवार है वो गिर जाएगी, ये आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, सरकारी यूनिवर्सिटी है, इस तरह की कोई भी दीवार नहीं रहेगी। और एक जो यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन है कॉलेजेस का, वो भी धीरे धीरे, एफिलिएटेड कॉलेज धीरे धीरे खत्म होंगे, लेकिन उसके लिए यूनिवर्सिटी को पहले दौर में मेंटरिंग का काम करना होगा। अब कॉलेज को नहीं पता फाइनेंस को कैसे इतने बड़े लेवल पे मैनेज करना है, या कॉलेज को नहीं पता डिग्री जो ग्रांट करनी है, या जो जिसको दूसरे सिस्टम है, तो उसके 2035 तक जो जिसको हम कह रहे हैं कि वो धीरे धीरे जो एफिलिएटेड कॉलेज है वो एफिलिएशन भी आपकी खत्म होके ऑटोनोमस कॉलेज आपके बन जाएगी, और यूनिवर्सिटी इसमें मेंटर का काम करेगी, जो सारी सिखलाई है वो यूनिवर्सिटी आपके मेंटर का काम करेगी। और सिंपली जो एक उसका फायदा क्या होगा, सर मैं ये मानता हूँ कईयों का सवाल आता है कि ये डीम यूनिवर्सिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी नाम खत्म होगा, इससे क्या हो जाएगा? अभी हमें एक लिस्ट देखनी पड़ती है, जब भी हम एडमिशन करते हैं या नौकरी लगाते हैं, फेक यूनिवर्सिटी लिस्ट, तो वो उस जो फेक यूनिवर्सिटी लिस्ट बनेगी नहीं, क्योंकि यूनिवर्सिटी उस टाइप की यूनिवर्सिटी का मतलब यूनिवर्सिटी होगा, तो वो कहीं ना कहीं उस पर भी चेक लगेगा। और एक जो आपने सवाल उसी से जुड़े हुए सवाल थे, वो शिक्षा विद्या और ह्यूमैनिटी और आपका और भी सील सत्य वाले सवाल थे, तो इनका जवाब है 11.1, जो 11 चैप्टर है हमारा 11.1 में, दैट इज टुवर्ड्स द होलिस्टिक एंड मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन। यहाँ पे 64 कलाओं की बात की गई है, कि हम जब तक्षशिला नालंदा में, मैंने बताया कि हम वहां पे जो बाणभट्ट कादंबरी में लिखते हैं कि 64 कलाओं, या 64 क्या थी, एक तरह से आर्ट्स, 64 आर्ट्स और डिफरेंट डिफरेंट उनमें, चाहे वो सिंगिंग से रिलेटेड हो, पेंटिंग से रिलेटेड हो, और बहुत सारे इश्यूज हैं। तो आज हम उनको एक नया नाम हमने पास चाहते हैं उसके कारण दिया, न्यू नेम, दैट इज लिबरल आर्ट्स। तो हम वो पहले से ही करते आए हैं, ऐसा नहीं है, सिर्फ उसको आपने रिवाइव करना है। कोई भी विषय लेकर के देख लीजिए आप, हमारा लिटरेचर उठा लीजिए, वेदों से लेकर के और जो पुराना सारा का सारा लिटरेचर, कोई भी विषय ऐसा नहीं है, चाहे चिकित्सा हो, शिक्षा हो, कोई भी, चाहे आपका खगोल विज्ञान हो, कोई भी विज्ञान या कोई भी आर्ट्स, कुछ भी उठा के लिए देख लीजिए, वो सारे के सारे हमारे पास मौजूद थे, लेकिन हमने उसको भुला दिया है। तो हम अब, ठीक है नाम कोई भी हो सकता है, उस नाम से हमें गुरेज नहीं है, लेकिन वो चीजें आए। और एक है जो अच्छा लगेगा इसमें, लर्निंग विद एंजॉयमेंट एंड एंगेजमेंट, लर्निंग विद, मैं उसको बोलता हूँ 2E, एंजॉयमेंट एंड एंगेजमेंट, कि आपका जो रोट लर्निंग है वो खत्म होगा,
अब मैंने बता दिया कि इंटीग्रेशन होगा, मैं साइंस का विद्यार्थी होने के नाते सोशल साइंसेज के सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकता था, लेकिन अब आपके पास पूरी लिबर्टी होगी, कोई उस तरह का सेग्रीगेशन नहीं होगा। आपका जो बहुत सारी स्किल्स हैं जिसको मैं मानता हूं, वो आपका जो ह्यूमन बीइंग बनाने की जब आप बात कर रहे थे, तो उसमें बहुत सारी टीम वर्क है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, और रिसर्च के साथ साथ और सोशल मोरल वैल्यूज है, अवेयरनेस है, वो सारी की सारी चीजें इंक्लूड करने की कोशिश की गई है। और जो खासकर यूजी एजुकेशन है, वहां पे आपकी सोशल एंगेजमेंट को एक बड़ा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, जहाँ पे अभी भी हम नो डाउट ये एनएसएस के थ्रू, एनसीसी के थ्रू और दूसरे क्लब्स के थ्रू करते हैं, लेकिन इसके लिए अलग से क्लब्स की भी मैं बात करूंगा आगे, वो उन्होंने सुझाया है इसमें। और जो दोनों चीजें 21st century स्किल्स प्लस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन प्लस आपकी ह्यूमैनिटीज और जो मानवता की बात इसमें सब्जेक्ट के थ्रू, क्योंकि फ्लेक्सिबल करिकुलम स्ट्रक्चर है वहां पे, मैंने बताया कि मल्टीपल एंट्री है, मल्टीपल एग्जिट है, और एक जिसको हम प्रमोशन ऑफ, जिसकी हम बात करते हैं लर्निंग लेवल, जो आपका लर्निंग लेवल और मिनिमम लर्निंग लेवल, हम स्कूल में बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे लर्निंग आउटकम बेस्ड आपकी अब एजुकेशन जो होगी उसमें आपको मिनिमम कोई ना कोई जो क्राइटेरिया हम इसमें होगा उसको। और एक जो चेंज है, वन इज करिकुलर, सेकंड इज पेडागोजी, किस हम पढ़ते नंबरों के लिए है नहीं, अब समझ के लिए पढ़ेंगे। इसमें कोशिश ये रहेगी जहाँ पे हम स्कूल लेवल से लेकर कॉलेज लेवल पर, जहाँ पे डिस्कशन डिबेट, अभी हम क्या करते हैं 95% और मोर देन 95% हमारा टीचर बोलता है क्लास में, उससे भी ज्यादा हमारा टीचर बोलता है, तो इसको मैं कहता हूँ दिस इज जस्ट लाइक अ वॉमिटिंग, जो मेरे को आता है मैं बता के जाऊंगा, मैं उन बच्चों की नहीं सुन रहा जो मेरे बैठ के सुन रहे हैं। तो वो उल्टा होगा जहां पे आपकी डिबेट डिस्कशन इन अपॉर्चुनिटीज होगी जहां पे बच्चों को, तो उसको मैं मानता हूं पेडागोजी में आपको चेंज होगा, एक आपका करिकुलम में, एक पेडागोजी में, तीसरा जो आपका मल्टीडिसिप्लिनरी बाय द सब्जेक्ट्स, वहां पे आपके सब्जेक्ट नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। और एक जो मैंने आपको पहले भी बताया था, जो मैं उसको बात कर चुका हूँ, 11.8 चैप्टर 11, उसमें है आपका सर, जो आपका सवाल था वो एनवायरमेंट से कंसर्न था, आपका ह्यूमैनिटी से कंसर्न था, आपका विद्या शिक्षा से कंसर्न था, तो उसमें मैंने जोड़ा है कि तीन ई वहां पे कवर करते हैं हम। नंबर वन इज एनवायरमेंटल इश्यूज, नंबर टू इज एंगेजमेंट दैट इज विद सोसाइटी, सो वी कैन लर्न अबाउट द सोसाइटी, एंड थर्ड इज एथिक्स और वी कैन से वैल्यूज। तो ये सारा का सारा 11.8 में पूरा का पूरा उसमें विस्तृत उससे दिया गया है, और वहां पे आपको सेवा सर्विस, वो कैसे पार्टिसिपेशन इन कम्युनिटी सर्विस प्रोग्राम, जहां पे आप कम्युनिटी को, और जहां पे अगर मैं कहता हूं अगर हम इस कम्युनिटी एंगेजमेंट वाले पार्ट पे सफल हो जाते हैं, फिर आपको केरला के हथनी वाले एग्जाम्पल नहीं सुनने पड़ेंगे। हमें एजुकेशन का मतलब, शिक्षा का मतलब, विद्या का मतलब, हमें स्मार्ट बनाना है। मैं स्मार्ट वो स्मार्ट सिटी वाले बात नहीं कर रहा सर, अगर मैं 11.8 की बात कर रहा हूं, मेरे जो यूथ होगा वो स्मार्ट बनेगा। स्मार्ट का फर्स्ट एस जो है दैट इज सेंसिटिव, सेंसिटिविटी टुवर्ड्स द सोसाइटी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एजुकेशन सिस्टम व्हिच वी आर लैकिंग। तो सेंसिटिविटी सबसे इंपॉर्टेंट होगा। एम मींस दोज हु आर मोटिवेटेड, ए मींस दोज हु आर अलर्ट। वो कब होगी अलर्टनेस, जब हम रिसर्च करेंगे, अवेक, अलर्ट, अवेक, और विवेकानंद को कहूं तो अराइज। और चौथा जो जिसको हम कहते हैं आर, वो आर बड़ा जरूरी है, क्योंकि हम एक आर की बात करते हैं, दूसरे आर की बात नहीं करते, एक आर की बात करते हैं राइट्स की, हम दूसरे आर रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबिलिटीज का आभास होगा बच्चों को अगर हम कम्युनिटी एंगेजमेंट कर लेंगे। एंड टी मींस जो आज की जरूरत है, टी का मतलब है यहाँ टेक्नोलॉजी भी जरूरी है सर, क्योंकि टेक्नोलॉजी के बिना आप और मैं ही, अंबाला मेरे को अब अलाउड नहीं था तो आ ही नहीं पाते, तो टेक्नोलॉजी भी वहां पे। तो स्मार्ट का मतलब मेरा ये है कि अगर हम 11.8 की जो बात कर रहे हैं उसको इन टोटल मैं कहूं, वहां पे सर बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है कि वैल्यू बेस्ड एजुकेशन विल इंक्लूड द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमनिस्टिक, एथिकल, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज ऑफ, नंबर वन, ट्रूथ, सत्य, राइटियस कंडक्ट, धर्म, पीस, शांति, लव, नॉन वायलेंस, साइंटिफिक टेम्पर, सिटीजनशिप वैल्यूज and plus life skills. So everything is very clear in this policy. And next is structure and length. जो एक यूजी प्रोग्राम 4 साल का होगा, ये भी एक कंफ्यूजन रहता है, और 3 का भी होगा जो हम कर रहे हैं वो अभी उसी तरह का। चौथा होगा अगर आपने रिसर्च में, मतलब 1 साल पूरा रिसर्च ओरिएंटेड होगा, और उसमें आपका फायदा क्या होगा, क्योंकि आपकी फिर पीजी 1 साल की होगी, आपकी पीजी 1 साल की होगी, मैं सिंपली अगर इसको कहूँ तो, फिर
और एबीसी का मैंने बताया दिया है एकेडमिक जो आपका बैंक ऑफ क्रेडिट्स वो उसकी बात की गई, आप छोड़ के जा सकते हो, आप फिर आ सकते हो, आपके क्रेडिट अर्न करते जाएंगे। और डिफरेंट डिजाइन फॉर पीजी, पीजी के लिए भी जैसा अभी 2 साल का कोर्स है वो भी रहेगा, 1 साल का कोर्स है वो भी आएगा। 1 साल किसके लिए होगा, जो ग्रेजुएशन 4 साल के करके आया है। और उसी तरह से आपका जो डिफरेंट डिजाइन की बात की है कि 2 साल का पीजी है और आपका 1 साल का पीजी है। फिर पीएचडी की बात, एमफिल खत्म कर दिया गया, पीएचडी दोनों प्रकार के बच्चों के लिए है, जो यूजी करके आया, अभी हम पीजी के बाद पीएचडी में जाते हैं, लेकिन अब यूजी के लिए भी डायरेक्ट आप पीजी में, जिसने 4 साल का यूजी किया हुआ है, देन ही और शी कैन गो फॉर द पीएचडी, और पीएचडी पीजी वाला तो पहले से ही अलाउड है। तो कहीं ना कहीं ये एक तरह से वो, और एक जो अब मैं उसमें थोड़ा सा मेरा क्वेश्चन मार्क है, मॉडल यूनिवर्सिटीज उसको बोलते हैं मेरू, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशनल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी। तो ये मॉडल यूनिवर्सिटीज बनाने की, पब्लिक यूनिवर्सिटी बनाने की बात की है ऑन द लाइन ऑफ आईआईटी एंड आईआईएम। तो उस तरह पे अगर यूनिवर्सिटी बनती है तो दिस इज अ गुड एफर्ट, और यू कैन से इट्स अ गुड मूव। और फोकस ऑन रिसर्च एंड इनोवेशन हम बात कर चुके हैं, और जो सर एरियाज की आप बात कर रहे थे इसमें 11.12 चैप्टर में, वो आपके एरिया जो रिसर्च आप कह रहे थे कि पेंडेमिक है, ये है अभी इसमें बिल्कुल क्लियरली लिखा है जो रिसर्च से रिलेटेड है, गिवन द सिनेरियो ऑफ पेंडेमिक इट इज क्रिटिकल दैट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन टेक द लीड टू अंडरटेक रिसर्च इन एरिया ऑफ इंफेक्टियस डिजीज, एपिडेमियोलॉजी, वायरोलॉजी, डायग्नोस्टिक इंस्ट्रूमेंटेशन, वैक्सीनोलॉजी एंड अदर रेलिवेंट एरिया। बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है इसमें इसी से रिलेटेड, और बहुत सारे एरिया जो हम पहले से चला रहे हैं वो नो डाउट है। और उसके साथ साथ एक जो अच्छा मूव है दैट इज रिसर्च लैब हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, बहुत सारे कॉलेजेस हैं विदाउट लैब के साइंस करवा देते हैं, और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को फंडिंग की बात। और एक जो लर्निंग एनवायरनमेंट और सपोर्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, उसके लिए 4 तरीके से काम किया गया है लर्निंग एनवायरनमेंट की, जिसकी बात करते हैं, इंटरकनेक्टेड एंड क्वालिटी लर्निंग, उसके लिए 4 एरिया है। नंबर 1 एप्रोप्रिएट करिकुलम, नंबर 2 एंगेज पेडागोजी, नंबर 3 आपका कंटिन्यूअस फॉर्मेटिव असेसमेंट, और नंबर 4 एडेक्वेट स्टूडेंट सपोर्ट। तो ये बहुत बड़ा है कि हम कैसे क्रिएटिविटी इसमें, और कैसे हम रिवीजन ऑफ चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम का करेंगे, और एलओबी लर्निंग आउटकम बेस्ड की बात की गई है इसमें। तो एक तरह से, और एक जो जैसे +2 लेवल का एग्जाम होगा स्कूल में, तो इसी तरह से हमारे एग्जाम का फोबिया बहुत है, जो कोई भी लेवल, तो हाई स्टेक एग्जामिनेशन से हम मोर कंटिन्यूअस एंड कंप्रीहेंसिव एवैल्यूएशन, जो सीसीई की मैं बात कर रहा था, उस पे जाने की ट्राई होगी, जो एक अच्छा मूव होगा। और एक इसके साथ साथ उन्होंने बात की है, मैंने कहा था कि ऐसा नहीं है अटोनमी ले लो और कुछ भी ना करो, नो, अटोनमी के लिए आपको आईडीपी पे जाना पड़ेगा, इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान आपने बना लिया, कितना अचीव किया, देन यूर फंडिंग और देन अदर थिंग्स विल बी रिलेटेड विद दैट यूर प्लानिंग, एंड दैट प्लानिंग की एग्जीक्यूशन पे डिपेंड करेगा। और एक और जो अच्छा मूव जो उसी से रिलेटेड है सर, जो कम्युनिटी एंगेजमेंट और उनसे, फंडिंग ऑफ द टॉपिक सेंटर्ड क्लब, अभी भी हमारे है वुमेन एम्पावरमेंट वगैरह, इको क्लब, बहुत सारे क्लब्स हैं कॉलेज में, आपके यूनिवर्सिटीज में, लेकिन उन क्लब्स को फंडिंग नहीं है, कुछ एक को छोड़ के, एक दो को छोड़ के। तो अब आपके फंडिंग ऑफ द टॉपिक सेंटर्ड क्लब्स एंड एक्टिविटीज जो स्टूडेंट्स के बनेंगे, वो क्लब्स आपके साइंसेज से रिलेटेड, सोशल साइंसेज से रिलेटेड, लैंग्वेज से रिलेटेड, तो सारी चीजों से रिलेटेड आपके क्लब्स होंगे, और उनमें अकेले क्लब नहीं होंगे, उनके साथ साथ एप्रोप्रिएट फैकल्टी और एक्सपर्ट को एंगेज किया जाएगा, जो आपके कैंपस की और कैंपस के आसपास के जो कम्युनिटी है उसकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। और उसके साथ साथ मेंटर्स का काम, टीचर्स अकेला टीचिंग नहीं करेगा, टीचर्स विल बी एज वर्क एज अ मेंटर और एज अ गाइड। और एक इसमें प्रोविजन है 12 चैप्टर में, सपोर्ट फॉर द डिसएडवांटेज, क्योंकि हमने 50% का जब लक्ष्य लेना है तो हमें इंक्लूसिवनेस की बात करनी होगी वहां हमें अपने, और एक ODL की मैं बात पहले कर चुका हूं, ODL को भी 50% के लिए आपको करना होगा। और एक जो स्टैंडर्ड की बात की गई, लेकिन ये नहीं, क्योंकि हम क्या करते हैं, डिग्री तो दे देते हैं लेकिन वो डिग्री किसी काम की नहीं होती जो बाहर इक्विवेलेंसी के लिए जाता है। तो ग्लोबल स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी इन ऑल द प्रोग्राम्स, मे बी आपके ग्रेजुएशन के है, मे बी आपके पोस्ट ग्रेजुएशन, मे बी रिसर्च के। और एक जो प्रोविजन किया है चैप्टर 12.7, इंटरनलाइजेशन, जो हमारे शिक्षा का वैश्वीकरण, ताकि हम बाहर वाले स्टूडेंट्स को नालंदा तक्षशिला के टाइम पे जब हम ट्रैक कर सकते हैं, तो अब उस
सिस्टम को कैसे रिवाइव किया जाए कि हम बाहर वाले स्टूडेंट को अट्रैक्ट कर पाए, जहां पे ब्रेन ड्रेन ना हो, ब्रेन गेन कर पाए हम। तो उसके लिए भी बहुत सारे प्रोग्राम, फ्लेक्सिबिलिटी और आपके जो, अगर मैं आपके डायरेक्ट मैं कहूँ, भारतीयता से जुड़े हुए सब्जेक्ट प्रोग्राम इन द सब्जेक्ट जहाँ पे हम अट्रैक्ट कर सकते हैं, दीज आर द सब्जेक्ट लाइक इंडोलॉजी, इंडियन लैंग्वेजेस, आयुष, मेडिसन, योगा, आर्ट्स, म्यूजिक। तो इस टाइप के जो कोर्सेज हैं वो आपके ऐड करने की बात की गई है उसमें, सो वी कैन उनको हम बुला पाए, इसको बोलते थोड़ी देर बात करें। तो इंटरनलाइजेशन एट होम की बात की गई है, और ये क्यों है हम बात भारत विश्व गुरु बने, तो ये एक तरह से इंडिया प्रमोशन एज अ विश्व गुरु। तो उसके लिए विश्व गुरु के लिए ये प्रयास है, वो उसके लिए हम रिसर्च के लिए कोलैबोरेशन करेंगे, टीचिंग के लिए कोलैबोरेशन करेंगे, एमओयूज करेंगे, और एक जो अच्छी बात है इसमें अगर हम कर पाए, जो एक्सचेंज एमओयू, एक्सचेंज प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट्स एज वेल एज फॉर द टीचर्स, एंड प्लस एमओयूज विद द गुड इंस्टीट्यूशंस, एंड प्लस वो अब कितना हो पाएगा कि टॉप वर्ल्ड की जो 100 यूनिवर्सिटीज, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, उनका हम कहीं ना कहीं उनको इनवाइट करें, उनके कैंपसेस हमारे यहाँ शुरू हो, और वाइस वर्सा हमारे जो अच्छे इंस्टीट्यूशन है उनके भी बाहर हो। ये कितना हो पाएगा मैं अभी इसमें आश्वस्त नहीं हूँ, क्योंकि अगर हमारे पास होगा तो हमें बाहर कैंपस खोलने की जरूरत शायद नहीं पड़ेगी, अगर मेरा अपना ओपिनियन ले तो। उसके लिए हमें वाइब्रेंट कैंपस, जिसकी हम बात करते कैंपसेस, जहाँ स्टूडेंट एक्टिविटी, स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, जहाँ पे, और एक और बड़ा अच्छा है अगर वो हो जाएगा, लेकिन मैं फिर आश्वस्त नहीं उसमें, जो नवोदय आपके थे, नवोदय रेजिडेंशियल स्कूल बनाए थे, शुरू में शुरुआत बड़ी अच्छी हुई थी, हम लोग भी उसमें गए थे एक बार तो, लेकिन आज नवोदय का वो पर्पज या वो हाल नहीं है जो जिस चीज के लिए वो बने थे। तो यहाँ पे बात की गई स्टूडेंट एक्टिविटी और पार्टिसिपेशन की, कि वाइब्रेंट कैंपस कैसे बनेंगे जहां पे आपकी काउंसलिंग की फैसिलिटी हो, यस दिस इज गुड। सेकंड, हॉस्टल का प्रोविजन हो। अब ये हॉस्टल कितना चल पाएंगे, कितना विद्यार्थी रहना पसंद करेंगे, वो जो अंग्रेज साहब आप कह रहे थे कि स्मार्ट वाले बच्चे, उससे जो आज के मॉडर्निटी वाले स्मार्ट है वो उनमें हॉस्टल में रहना पसंद करेंगे, उस तरह का थोड़ा। और दूसरी एक फैसिलिटी बड़ी अच्छी है अगर हो जाए तो, सारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में मेडिकल फैसिलिटीज, क्वालिटी मेडिकल फैसिलिटीज, ये भी बड़ा जरूरी है आज के खासकर दौर में, जो मैं पढ़ाई, दवाई और सफाई की बात कर रहा हूँ। और फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर द इंक्लूजन, जो खासकर मार्जिनलाइज्ड स्टूडेंट्स है उनके लिए सपोर्ट की बात की गई है। और कैपेबल फैकल्टी, ये बड़ा जरूरी है, क्योंकि किसी भी आप मुहिम को मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, चाहे वो हायर एजुकेशन हो, चाहे स्कूल एजुकेशन हो, दैट यू हैव टू एंगेज द क्वालिटी फैकल्टी। तो उसके लिए प्रीवियस एफर्ट्स में दिक्कत कहाँ आई, कैरियर प्रोग्रेशन नहीं हुई या कैसे सेलेक्ट किए, उस पर हम नहीं जा रहे, लेकिन अब कहीं ना कहीं टीचिंग, सर अगर मैं सही मायने में, क्योंकि मैं एजुकेशन का विद्यार्थी हूँ, तो जब मैं हर बार 20 साल 15 साल से हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो जब हम रिसर्च करते हैं, पूछते हैं बच्चों से, तो पहली च्वाइस वाले बच्चे नहीं आते, टीचर्स बाय चांस वाले ज्यादा आ रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं मोटिवेशन हमारा कम हुआ है कि अच्छी फैकल्टी को हम कैसे ला पाएंगे। यहाँ पे बात की गई है कि एफर्ट मस्ट बी डिवोटेड टू द एंगेजमेंट ऑफ द मोटिवेटेड फैकल्टी। अब वो कैसे होगा, दैट इज अगेन क्वेश्चनेबल, कि कैसे हम उसको, ब्यूरोक्रेसी में लोग ज्यादा पसंद करते हैं, वो एजुकेशन में आना पसंद करेंगे या नहीं करेंगे। निशान साहब तो कह रहे थे कि मैं जो टेस्ट होगा टीचर्स के लिए वो आईएससी भी स्ट्रॉन्ग बनेगा, देखते हैं कैसा होगा। तो वो मोटिवेशन की कहीं ना कहीं बात की गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं बात कर चुका हूँ, पीटीआर पीपल टीचर रेशो अपने आप बढ़ जाएगा जब हम उसको एनवायरमेंट उसको उस तरह का देंगे। और फ्रीडम की बात हम बात कर चुके हैं, टीचर के लेवल पे खासकर, जहाँ पे करिकुलम बनाने की बात हो, पेडागोजी की बात हो, टेक्स्ट बुक की बात हो, रीडिंग मटेरियल की बात हो, असाइनमेंट की बात हो, असेसमेंट की बात हो, तो ये एक फ्रीडम जिसको हम कहें टीचर्स को भी दिया गया है। हाँ, एक बड़ा अच्छा है अगर ये हो जाए, रिवार्ड एंड पनिशमेंट तो नहीं है, अकाउंटेबिलिटी है वहां पे वर्ड, कि जो अच्छे रिसर्च या अच्छा टीचिंग एक्सीलेंसी, टीचिंग विद एक्सीलेंसी और रिसर्च विद एक्सीलेंसी, उसको रिवार्ड का प्रमोशन की बात है, रिकॉग्निशन है, और मूवमेंट इनटू इंस्टीट्यूशनल लीडरशिप है, बहुत अच्छी बात है ये। और जो नहीं करे डिलीवर उसके लिए अकाउंटेबिलिटी वर्ड, मतलब अकाउंटेबिलिटी भी जोड़ दी गई, अच्छी चीज है, क्योंकि हम अकाउंटेबिलिटी को भूल जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी को भूल जाते हैं। और रिक्रूटमेंट की बात मैं पहले कर चुका हूँ, दैट उन्होंने कहा कि ये दिस शुड बी अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ताकि कोई जो पोजिशन है वो आपकी खाली ना रहे।
वो एडोकिज्म और ये सारी चीजें, फास्ट ट्रैक प्रमोशन सिस्टम भी उन्होंने बात की, अच्छी बात है, हम टीचर्स के लिए खुश होना चाहिए हमें फास्ट ट्रैक जो प्रमोशन की बात होगी। और एक लीडरशिप की, लीडरशिप की जो ट्रेनिंग है, अब लगता है मेरे साहब प्रिंसिपल या वीसी के लायक तो उनको से पहले से ही ट्रेनिंग देनी शुरू कर दीजिए, इस टाइप की ट्रेनिंग की बात की गई है जो पोटेंशियल लीडर्स है। तो हम कामना करते हैं पोटेंशियल लीडर्स अमीर साहब के उसमें भी कि जल्दी हम उसको लीडरशिप रोल में भी देख पाए, तो उस तरह की बात की गई है। और इक्विटी और इंक्लूजन की मैं बात कर चुका हूँ, उसमें बहुत सारे प्रोविजन है, बिल्डिंग का है, बेस कोर्सेज का है, सोशो इकोनॉमिक सपोर्ट का है, सेंसिटाइजेशन, हाँ सेंसिटाइजेशन बड़ा जरूरी है, और नो डिस्क्रिमिनेशन, इंडिविजुअल डेवलपमेंट प्लान है, फिर एजुकेशन की अलग से बात की गई है कि टीचर ट्रेनिंग पार्ट जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो टीचर ट्रेनिंग इन सर्विस भी और प्री सर्विस भी, तो बाय 2030 वो बात करेगी एजुकेशनली साउंड मल्टीडिसिप्लिनरी और इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम शैल बी इन द फोर्स। तो 2030 तक ये सिस्टम चेंज करने की बात कर रहे हैं, और जितने भी आपके इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें सब में टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स की बात, मल्टीडिसिप्लिनरी इनपुट्स की बात की है, और उसमें हाई क्वालिटी कंटेंट पेडागोजी ये बड़ी जरूरी है, और उसके साथ साथ कोलैबोरेशन विद द अदर डिपार्टमेंट्स, लाइक ये नहीं कि हम टीचर एजुकेशन में टीचर को ही टीचर एजुकेशन ही पढ़ाते रहते, नहीं, कभी हम उनको साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में, हम एजुकेशन साइकोलॉजी पढ़ाते हैं, एजुकेशन सोशियोलॉजी पढ़ाते हैं, एजुकेशन फिलोसफी पढ़ाते हैं, बट हम उनको प्योर डिपार्टमेंट से या उनके उससे रूबरू नहीं करवाते। तो अब ये कह रहे कि कोलैबोरेशन विद द मे बी साइकोलॉजी, मे बी फिलोसफी, मे बी सोशियोलॉजी, न्यूरो साइंस, इंडियन लैंग्वेजेस, आर्ट्स, म्यूजिक, हिस्ट्री, लिटरेचर, जितने भी हमारे काम के मैथ साइंस व्हाटएवर, तो उनसे भी हम कोलैबोरेशन। तो 2030 तक स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशन कोई नहीं होगा कि अकेले बीएडी करवा रहा है, अकेले एमएडी, नो, स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशन नहीं होगा, वो आपके सारे जो मल्टीडिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन की मैं बात कर रहा था वो होंगे। तो 2030 तक 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड। अब ये भी कंफ्यूजन है हमारे बीएड वालों को कि अकेला 4 साल का ही होगा, नहीं, जिसने 10 साल 15 साल पहले ग्रेजुएशन कर लिया उसके लिए वो भी रहेंगे। तो तीनों टाइप के कोर्स रहेंगे, 4 साल का प्लस 2 के बाद होगा, 2 साल की भी बीएड होगी उनके लिए जो डिग्री होल्डर होंगे स्पेशलाइज्ड एरिया में, और 1 साल का होगा जो डिग्री होल्डर होंगे 4 साल वाली जो यूजी की हम बात कर रहे थे उसके, तो उस तरह के कोर्स रहेंगे, और प्लस 2 के बाद जैसे उसमें होता है ऐसे ही टीचर ट्रेनिंग में लोग आ जाएंगे, तो 1 ईयर भी वो साथ साथ चलेंगे, लेकिन उनकी कंडीशन अलग होगी। और उसके साथ साथ एडमिशन जो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में बात की गई है दैट इज थ्रू द एनटीए टेस्टिंग एजेंसी, जो एक एडमिशन टेस्ट होगा ऑल इंडिया लेवल पे। लेकिन उसमें एक अच्छी बात ये है, कई बार जो ट्राइबल बेल्ट का बच्चा है वो बेचारा समझ नहीं पाता दिल्ली वाले के कंपैरिजन, तो उन्होंने कहा कि जो टेस्ट होगा स्टैंडर्डाइज कीपिंग इन व्यू ऑफ लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ द कंट्री, ताकि वो उस एरिया का जो टीचर है उसमें सर्व कर पाए। स्कूल के लिए था वैसे ये कि स्कूल का उसी पर्टिकुलर टॉप जो पर्टिकुलर एरिया है उसके टीचर उसके स्टूडेंट को ही मौका दिया जाए वहां पे, ताकि वो लैंग्वेज की प्रॉब्लम नहीं आती, कल्चर की प्रॉब्लम नहीं आती। तो ये टीचर ट्रेनिंग का कोई ज्यादा उसमें उसके हम स्वयं पोर्टल का और दीक्षा पोर्टल की हेल्प लेंगे। उसके बाद आता है वोकेशनल एजुकेशन, जिसकी मैं बात पहले थोड़ी सी की थी। अभी हम 19 से 24 साल तक के युवाओं की बात करें तो आज जो हमारी वर्क फोर्स है उसमें 5% बच्चे, सिर्फ 5% के लगभग है जो जिसको हम फॉर्मल वोकेशनल एजुकेशन लेकर के हमारे आते हैं। जब हम उसको दूसरे कंट्री से यूएसए से कंपेयर करते हैं वहां 52% है, जर्मनी से कंपेयर करते हैं 75% है, और कोरिया को तो हैरान रह जाए, साउथ कोरिया, जहां पे 96% पीपल आर विद द एजुकेशन, तो हम उसमें तो 5% बराबर। तो कहीं ना कहीं री इमेजिनेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन की बात की गई है, और ये अकेला कॉलेज या हायर एजुकेशन से नहीं, 6th class ऑनवर्ड्स बात की गई, 6th class से हम उसको। और इससे क्या फायदा होगा, पहले हम वोकेशनल एजुकेशन बात करते थे ITI 10वीं के बाद बच्चा लेगा मैक्सिमम जगह पे या पॉलिटेक्निक, तो होता क्या था 8वीं में ही या 10वीं में ड्रॉप आउट बहुत सारे हो जाते, तो वहां तक वो वर्कफोर्स आई नहीं जाती थी। तो अब हम 6th से class शुरू कर रहे हैं और उसको जो वोकेशनल प्रिपरेशन है वो 6th class ऑनवर्ड्स स्टार्ट हो जाएगी। तो और एक जो दूसरा था, हम उसको मानते हैं दोयम दर्जे, ITI में जो एडमिशन लेता है ना, जो कि जिसका कहीं नहीं एडमिशन होता वो लेते हैं हम, ये एक नोशन बन गया था। नहीं, अब मैंने कहा कि वो जो हायरार्की थी ये फ्लाई एजुकेशन वो खत्म है, तो वोकेशन सब्जेक्ट्स भी इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट के तहत आपके जो मेन स्ट्रीम एजुकेशन है, एकेडमिक स्ट्रीम है, उसके साथ साथ आएंगे। और उसके साथ साथ NSQF नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क जो आपका सिलेबस और करिकुलम पे काम करेगा। तो बाय 2025 हमारा लक्ष्य है 50% तक लर्नर्स जो
स्कूल और हायर एजुकेशन में, वोकेशनल एजुकेशन के लिए आए. सो वी कैन यूज जो हमारा पॉपुलेशन है उसको हम एक तरह से डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारा वो बन पाए. तो वो एक पर्पज है उसमें, चाहे एनजीओ की हेल्प लें चाहे इंडस्ट्री की हेल्प लें. उन्होंने बात की कि शॉर्ट टर्म कोर्सेज लगाए जाए हायर एजुकेशन में, जैसे हम डिप्लोमा टाइप के और या सर्टिफिकेट टाइप के कोर्स हम हायर एजुकेशन में भी शुरू कर सकते हैं. और एक अच्छी बात अंग्रेज साहब इसमें ये है, सॉफ्ट स्किल के साथ साथ लोक विद्या की बात की गई, जो हम ट्रेडिशन की बात करते हैं लोक विद्या की बात की गई है. और चार एरियाज फोकस एरियाज है जो एनसीआईवी के है, नेशनल इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, नेशनल कमेटी ऑफ द, तो उनकी बात की गई है फोकस एरिया आपके वोकेशनल एजुकेशन के. वो कौन से होंगे फोकस एरिया, कि जो हमें हमारे लोकल अपॉर्चुनिटीज के आधार पे होंगे, जो हमारे जिस एरिया में जो रिक्वायर्ड है. और अब उसके साथ साथ हम फिर बात करते हैं एनआरएफ, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की. रिसर्च के लिए बहुत सारी संस्थाएं हमें अभी भी रिसर्च फंडिंग करती है नो डाउट, लेकिन एक उन्होंने कहा कि रिसर्च अगर जरूरी है तो उसके लिए फंडिंग भी होनी चाहिए. तो उसके लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की बात की गई है. और वो जो नए नए एरियाज होंगे, जो मैं अभी बात कर रहा था आपके साथ कि बहुत सारे एरियाज उसमें, जैसे हम मानते हैं अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और यू कैन से डिजिटल मार्केट प्लेस, तो इन जो नए नए एरियाज हैं उनको आइडेंटिफाई करके और उन जो एरियाज में नहीं हुए, ट्रेडिशनल तो चलेगा जो हम कर रहे हैं, उसके साथ साथ क्योंकि अभी सिर्फ हम, अगर मैं कहूँ जीडीपी का 0.67 उसको मान लीजिए 0.7 मान लीजिए, हम सिर्फ उतना ही खर्च पर कर पा रहे हैं. जब हम उसको कंपेयर करते हैं दूसरे कंट्री के साथ, जहाँ पे 3% के लगभग अमेरिका में खर्च करते हैं और 4.3 जो हमारा जीडीपी पूरे एजुकेशन पे खर्च होता है, एक छोटा सा कंट्री इजराइल खर्च करता है और 4.2 के करीब साउथ कोरिया खर्च करता है. तो वो हम कहीं ना कहीं एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की बात की गई है, जो एरियाज जो इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च पे काम करेगा, वो साइंसेज हो, सोशल साइंसेज हो, ह्यूमैनिटीज हो. तो कहीं ना कहीं रिसर्च कल्चर जो प्रमोशन की बात की गई है, जहाँ पे जो क्वालिटी रिसर्च की बात की गई है, उसका मेन पर्पज क्या है कि तो एक हमारा तो कल्चर ऑफ रिसर्च डेवलप हो, और एक नंबर ऑफ जो इसमें एक जो अच्छी बात है, अगर वो हुई तो अच्छी बात होगी, नो इंटरफेरेंस ऑफ द गवर्नमेंट का कोई भी इसमें इंटरफेरेंस नहीं होगा, तो अगर हो जाए तो अच्छी बात है. उसके साथ साथ अब कई लोगों को लगता है जो पहले संस्थाएं थी उनका क्या होगा, जैसे डीबीटी है जो आपके, और डीएई है, डिपार्टमेंट ऑफ ऑटोनॉमिक एनर्जी है, डीएसटी है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आईसीएमआर है जो मेडिकल को देखती है, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च है, आईसीएचआर है, यूजीसी है, ये भी रहेंगी, कंटिन्यूअस फंडिंग होती रहेगी, स्पेशल एरिया में करते हैं अपने अपने. मेडिकल है तो डॉक्टर साहब आपकी आवाज थोड़ी सी करता है, इंजीनियर तो गवर्नमेंट इंडिपेंडेंटली, तो गवर्नमेंट का उसमें इंटरफेरेंस नहीं होगा, अच्छी बात है. तो और एक है रेगुलेटरी सिस्टम ऑफ हायर एजुकेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो प्रॉब्लम्स है रेगुलेटरी सिस्टम के साथ है. वहां पे लाइट और टाइट की बात हमने की थी, इसका पर्पज क्या होगा, जो अगर कॉमर्शियलाइजेशन हम कहते हैं एजुकेशन का हुआ है या हो रहा है और हो भी रहा है, तो उस कॉमर्शियलाइज, पहला तो उनका यही होगा कि कॉमर्शियलाइजेशन को कर्ब किया जाए. कॉमर्शियलाइजेशन की एजुकेशन कॉमर्शियलाइजेशन के लिए नहीं है, तो वो जो आपका रेगुलेशन के थ्रू है. अब उसने एक जो कमीशन की बात की है उसको हम कहते हैं हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ HECI. तो HECI क्या करेगा, दैट इज द हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, दैट इज अम्ब्रेला इंस्टीट्यूशन. अब लोगों को लगता है एक ही होगा, नहीं, इसके अंदर फिर चार है. वो चार क्या है, नंबर वन NHERC, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल. अब मैं इसकी डिटेल में नहीं जा पाऊंगा क्योंकि टाइम सर कह रहे कम है. तो NHERC क्या करे, जैसे नाम से रेगुलेशन पे काम करे. दूसरा NAC, नेशनल एक्रीडेशन काउंसिल, ये एक्रीडेशन पे काम करेगा. तीसरा हमारा HEGC, हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल, जो ग्रांट्स पे काम करेगा, फंडिंग पे काम करेगा. और चौथा है हमारा GEC, जनरल एजुकेशन काउंसिल. ये इसका काम थोड़ा ज्यादा है, नॉर्म्स बनाएगा, क्या नॉर्म्स होंगे, स्टैंडर्ड होंगे, किस टाइप का फ्रेमवर्क होगा, लर्निंग आउटकम्स क्या होंगे. और एक अच्छी बात है, ये NHEQF के साथ काम करेगा.
जो आपका नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क है, जो वोकेशनल एजुकेशन की हम पहले बात कर रहे थे, और वर्क विद द एनएसक्यूएफ। एनएसक्यूएफ क्या है आपका, जो नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क और नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, तो दोनों मिलकर के काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो एक तरह से जो पहले वाले प्रोफेशनल बॉडीज, एक और आता है जैसे हम एनसीटी वाले, हमारे बीएड वाले बात करते हैं कि एनसीटी का क्या होगा, वो भी रहेंगी, एनसीटी भी रहेगी, वीसीआई वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया भी रहेगी, आईसीएआर भी रहेगी, काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग, वो भी रहेंगी। लेकिन वो क्या करेंगी, वो सारी की सारी एक तरह से प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी, उनको कहा जाएगा पीएसएसबी, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी, मेरी फील्ड से रिलेटेड है एनसीटीई, तो हमारे लिए वो स्टैंडर्ड सेट करेगी, दूसरे के एग्रीकल्चर वालों की एग्रीकल्चर। तो जितनी भी ये पीएसएसबी है, ये सारे की सारी जीईसी की मेंबर्स होंगी, इनवाइटेड मेंबर्स होंगे। तो कहीं ना कहीं इनका काम क्या होगा, अपने रिलेटेड फील्ड से करिकुलम, एकेडमिक स्टैंडर्ड और कोऑर्डिनेट करना टीचिंग रिसर्च और जो एक्सटेंशन एक्टिविटीज का उनका, तो ये उनका काम रहेगा। तो चार उसके, एक अम्ब्रेला टर्म होगी नो डाउट एचसी, जिसको मैं बात कर रहा है एचसीआई, उसके अंडर चार ये अलग अलग विंग कह लीजिए होंगी, और एक जो मैंने कहा था कर्बिंग द कमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, कि एजुकेशन को उसको जो एजुकेशन है, क्योंकि हम नहीं कह सकते एजुकेशन, वो कह रहे कि एजुकेशन इज नॉट फॉर द प्रॉफिट, दैट इज अ सर्विस एक्टिविटी। कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत सारे प्रोविजन लाइट और टाइट की, जिसकी मैं बात कर रहा था, आपको सेल्फ डिस्क्लोजर हर चीज के लिए पब्लिक के ऑडिटिंग वो कराना जरूरी होगा, और एक मैं तो मेरे इंस्टीट्यूशन में कुछ भी डाल दूं वो नहीं होगा, उसके साथ साथ पेनल्टी का भी वो है, ऐसा नहीं है, उसके साथ साथ जो अगर आप मिस इन्फॉर्मेशन या इन्फॉर्मेशन गलत देंगे, तो उसके साथ साथ आपका जो आप कहीं ना कहीं पेनल्टी की भी बात की गई है। तो चेक एंड बैलेंस, जिसकी मैं पहले बात कर रहा था, ताकि सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी आए, और एक जो मैं पहले कर चुका हूं बात, इफेक्टिव गवर्नेंस एंड लीडरशिप, 19 चैप्टर इज रिलेटेड विद द इफेक्टिव गवर्नेंस एंड लीडरशिप। वो लीडरशिप को मैंने कहा कि जिसको लीडर्स को हम पहले से ही तैयार करेंगे, अगर आपको लगता है पोटेंशियल लीडरशिप की बात, तो उसको हम पहले से ही लीडरशिप की ट्रेनिंग की बात, और लीडर्स जो पोटेंशियल लीडर्स हो सकते हैं उनको आगे लाने के, उनको प्रमोशन में भी हेल्प करने की। तो कहीं ना कहीं ये पूरी जो कावियाद है, ये फिलोसफी ऑफ एजुकेशन ना होकर के, उससे शिफ्ट होकर के अब हम पर्पज ऑफ एजुकेशन की बात कर रहे हैं, कि क्या हम व्यवस्था में बदलाव करके हमारे युवाओं को क्रिएटिव, क्यूरियस, कमिटेड और लाइफ के लिए तैयार कर सकते हैं, क्या हम युवाओं को एम्पावर कर सकते हैं, हम उनको लोकल के साथ साथ ग्लोबल सिटीजन बना सकते हैं, क्या हम उनको, एक जो बड़ा मेरे को लगा इस लॉकडाउन पीरियड में, श्रम का सम्मान, छठी क्लास से डिग्निटी ऑफ लेबर की बात की गई, श्रम का सम्मान क्या है। मैंने तीन तरह का भारत देखा जब सर, जब लॉकडाउन हुआ। एक भारत वो था जो विदेशों से जहाज में आया और कोरोना लेकर के आया, अमीर वर्ग। एक वो था जो हम लोग आज बैठ के चर्चा कर रहे हैं, मध्यम वर्गीय, जिन्होंने ताली भी बजाई, थाली भी बजाई, हर मुहिम का साथ दिया। लेकिन मेरी शिक्षा नीति वहां फेल हो गई जब एक मेरे तीसरे तरह का भारत देखने में आया, वो मजदूरों का पलायन हुआ, अपने ही देश में हुआ, अपने ही देश के लोगों से जो उम्मीद थी, वो उम्मीद वो सरकार से भी और मैं कहूंगा व्यवस्था से भी हार करके जब उनकी उम्मीद टूटी, लाचारी में वो गए हैं, तो कहां हमारी शिक्षा गई थी। तो कहीं ना कहीं श्रम के सम्मान की भी, जो भावी पीढ़ी श्रम का सम्मान करेगी, ऐसा भी इसमें प्रोविजन की बात की गई है इसमें। तो मैं मानता हूं कोई भी जब नीति बनती है उसका इम्प्लीमेंटेशन पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब भी नीति बनती है उसमें तीनों चीजें हैं। जब मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा हूं तो हम पास्ट की बात करते हैं, प्रेजेंट की बात करते हैं, फ्यूचर की बात करते हैं। पास्ट का मतलब हमने बहुत सारी चीजें पास्ट नीतियों से या हमारी व्यवस्थाओं से, जो सिविलाइजेशन की हम बात कर रहे थे, तो उनसे हमने सीखी। दूसरा प्रेजेंट की बात करते हैं। प्रेजेंट में क्या है चैलेंजेस, बहुत सारी अच्छी बातें हैं अगर हो जाए तो, लेकिन चैलेंजेस आर देयर, बहुत सारे चैलेंज है, मेरे सवाल हैं, बहुत सारे सवाल है। मैं परसों कहीं पे बोल रहा था स्कूल एजुकेशन के सिस्टम पे, उन्होंने कहा बड़ी अच्छी बात है कि आपकी तीन साल से लेकर के बच्चा पढ़ेगा। मैंने कहा बहुत अच्छा प्रोविजन है, तीन साल से छह साल के बच्चे की सोचा गया है, लेकिन वहां पे आपने बात कर दी कि टीचर्स को ट्रेंड किया जाएगा, आंगनबाड़ी वर्कर को ट्रेंड किया जाएगा, लेकिन मैं उसमें सवाल उठा रहा हूँ वो पेरेंट्स कहाँ है जिसको ट्रेंड किया जाएगा पेरेंटिंग के लिए।
उसका कोई सवाल वहां पे, उसका कोई जो मतलब वहां पे सुझाव नहीं था पेरेंट्स के लिए, तो बहुत सारे हो सकते हैं चैलेंजेस। तो जब मैं प्रेजेंट की बात करता हूँ, चैलेंजेस आर देयर नो डाउट, बट फ्यूचर क्या है, दैट इज द विजन ऑफ द पॉलिसी की किस तरह का भारत हम बनाने जा रहे हैं, बनाने की कल्पना कर रहे हैं। तो तीनों की बात इसमें पॉलिसी में आपकी की गई है। प्रेजेंट जो पास्ट की हम बात करते हैं, मैंने आपके तक्षशिला नालंदा से शुरू किया, हम वहां से चौसठ कलाओं से स्टार्ट कर रहे हैं। प्रेजेंट में हमारे साथ चैलेंजेस जो हम रिसर्च की बात कर रहे हैं कि हमारे जो रिसर्चेज हैं वो हमारी सोसाइटी से जुड़े, जो चैलेंज से जुड़े। और मैं तो अभी प्रोविजन, अब कोई प्रेजेंटेशन चल रही थी उसमें मैं कह रहा था कि आप क्या करेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, मैं कह रहा था कि दो या तीन साल तक लगभग जो भी हम रिसर्च के टॉपिक देंगे वो अब हमारी जो समस्या आसपास है उन समस्याओं से हम उनको टॉपिक देना स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारा एक तरह से उसमें पॉजिटिव जिसको मैं कह सकता हूँ, और दैट विल बी लाइफ चेंजिंग। लाइफ का मतलब है यहाँ पे LIFE, हमारी लर्निंग में बदलाव आएगा, हमारे इनिशिएटिवनेस में बदलाव आएगा, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी होगी, और ई बड़ा जरूरी है, इम्प्लॉयबिलिटी भी होगी। तो मनुष्य से जो मनोर्भाव की जो आपकी कल्पना, आप संस्कृत के विद्वान हैं, मनोर्भाव की बात आप करते हैं, तो मनोर्भाव वाली बात कहीं ना कहीं अतीत से आधुनिकता की तरफ बढ़ते हुए, लेकिन हम उस मनोर्भाव को भी नहीं भूलेंगे, और वहां शिक्षा व्यवस्था बोझ नहीं बनेगी। क्योंकि अब रोट लर्निंग में क्या है कि शिक्षा व्यवस्था बोझ है हमारे लिए, कि उस शिक्षा व्यवस्था बोझ नहीं बनेगी, वो नाव तट से बंधी लेकिन लहरों की मनमानी नाव। इसमें मेरा और आपका रोल ज्यादा है सर टीचर का, कि वो नाव तट से बंधी लहरों की मनमानी ना हो, नाव को इस पार से उस पार जाने में परेशानी ना हो, जो हमारे टारगेट है, परेशानी ना हो। देख माझी, माझी हम टीचर्स हैं यहाँ, देख माझी याद रखना, नाव तो पानी में हो लेकिन नाव में पानी ना हो, नाव में पानी ना हो। तो वो शिक्षा व्यवस्था बोझ ना बने, वो हेल्पफुल बने, वो जॉयफुल कैसे होगी, इंजॉयबल कैसे होगी, ये मेरा और आपका काम ज्यादा होगा, तो हमें सोचना होगा। और वो जो पंडित मदन मोहन मालवीय बड़ा अच्छा कहते थे कि होलिस्टिक डेवलपमेंट, ऑलराउंड डेवलपमेंट, उसको एक बड़ा अच्छा कहते थे, उसमें सारी चीजें मेरे को लगता है आ जाती है जब वो बात करते थे, कि दूध पियो कसरत करो, दूध पियो कसरत करो, दैट मीन्स फिजिकल डेवलपमेंट, नित्य जपो हरि नाम। हरि नाम मतलब मैं कोई हिंदू और मुस्लिम की बात नहीं कर रहा है यहाँ पे, मतलब आपका जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है। दूध पियो कसरत करो नित्य जपो हरि नाम, मन लगाए विद्या पढ़ो, ये इंटेलेक्चुअल, मन लगाए विद्या पढ़ो, पूरे होंगे सब काम। जो आप टोटल डेवलपमेंट की, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं मुक्ति की बात, ये जो बंटवारे की बात को खत्म करने की बात की गई है। अच्छा हुआ, एक और जो मैं अच्छा मानता हूँ सर, पहली हमारी पॉलिसी बनी थी आजादी के बाद 1948 में यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, गलती हमने वहीं पे कर ली थी, उल्टा पिरामिड जब हम बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो अच्छी बात है ये सीधे पिरामिड से शुरू हो रहे, प्री एजुकेशन से शुरू होकर के हायर एजुकेशन जाने की बात कर रही है, हमने गलती वहां पे की, हायर एजुकेशन से हमने शुरू किया नो डाउट, लेकिन कुछ गलतियों में भी हम सीखते हैं, उसके कारण हम यूनिवर्सिटीज या IITs लेके आ पाए, वो भी उसकी एक अच्छी बताऊंगा। तो लेकिन ये जो पॉलिसी है प्री प्राइमरी से लेकर के हायर एजुकेशन की बात करती है, नो डाउट कोठारी कमीशन ने भी की, अगर मैं उनको पहले लेके पढ़ता हूँ, कोठारी कमीशन ने बात की, लेकिन ये प्री प्राइमरी से शुरू कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये नए भारत के निर्माण की बात कर रही है, आत्मनिर्भर भारत की बात कर रही है, जिम्मेदार से भरपूर जो युवा होंगे उनकी बात कर रही है। तो अगर हम इन पॉलिसीज को इन टोटो और लेटर एंड स्पिरिट में लागू कर लेते हैं, तो मैं कह सकता हूँ जो हमारे युवा होंगे, जो आत्मनिर्भर भारत के लिए रिक्वायरमेंट है, सजग भी होंगे, सक्षम भी होंगे, स्पष्ट भी होंगे, समर्पित भी होंगे, संघर्षशील होंगे, सक्रियता भी होंगे, और अगेन जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट मानता हूँ, संवेदनशील भी होंगे। क्यों? क्योंकि हमारा पर्पज क्या है इस पॉलिसी के तहत, बेस्ट देना। बेस्ट कुछ और नहीं है, BEST। बी मीन्स चेंज इन बिहेवियर, ई मीन्स एनवायरमेंट हो, और एस मीन्स जो भी हम काम करते हैं वो सर्विस की भावना से हो, और टी मीन्स हमारे थॉट मैनेजमेंट, जो विचार बदलेंगे तभी, जो हमारी विचारधारा बदलेगी तभी हमारी नियत, जो नियति है वो बदलेगी। क्योंकि हमने नोट बदल के भी देख ली लेकिन नियत नहीं बदली आपने। मैंने उस टाइम कहा था कि नोटबंदी तो बहाना है साहब, बदलना तो इंसान को था, अगर कुछ लोग बेईमान ना होते तो इतने लोग परेशान ना होते। तो नियति बदलने की बात ये बात करती है पॉलिसी। तो इन्हीं शब्दों के साथ कि इसमें इंफॉर्मेशन भी है, इंस्पिरेशन भी है, लेकिन तीन आई बड़े जरूरी होते हैं, इंफॉर्मेशन भी मिलगी, इंस्पिरेशन भी मिलगी, लेकिन अब जरूरत है इम्प्लीमेंटेशन। तो इम्प्लीमेंटेशन हमने करनी है, आपने करनी है, सो वी कैन प्रिपेयर द फ्यूचर।
ऑफ नेशन थ्रू दिस यू कैन से पॉलिसी। तो अब देखते हैं, होप फॉर द बेस्ट, हमेशा ही अच्छे के लिए हम सोचते हैं और अच्छा होगा, ऐसी मेरी कामना, ऐसी मेरी भावना है। विद दीज वर्ड्स थैंक यू सर, थैंक यू पूरे टीम का आपका और पुलिस परिवार का, धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। डॉक्टर साहब, मेरे पास तो आपकी प्रशंसा करने के लिए अब शब्द नहीं है। वाकई आपने पूरे का पूरा जो आपसे जो अपेक्षा थी उस अपेक्षा को पूरा किया है, ना कुछ कम ना कुछ अधिक, जिसे हमारी परंपरा में अति व्याप्ति और अव्याप्ति दोष कहा जाता है, ये पूर्ण व्याप्ति थी आपकी, और मैं इसके लिए आपको साधुवाद देता हूँ। और वाकई प्रशंसा की बात है कि ऐसे व्यक्तित्व को सुनना, ऐसे व्यक्ति को सुनना जिसमें विचारों की स्पष्टता भी हो, दिशा भी उसकी निर्धारित हो और शब्दावली भी उसके पास पर्याप्त हो और भीतर से संस्कार भी हो, इस भारत की मिट्टी को जो समझने वाला हो व्यक्ति, वही इस एजुकेशन पॉलिसी की लेटर एंड स्पिरिट, जिसे हमने फॉर्म एंड एसेंस कहा था, वो उन्होंने प्रस्तुत की है और सफल प्रस्तुत की है, उसके लिए मैं उनको आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत साधुवाद आप। डॉक्टर साहब ने जितनी सारी बातें की हैं, उन सब बातों को एक बार में हम सभी नहीं समझ सकते, वो बुद्धि में रहेंगे नहीं, क्योंकि हमारी बुद्धि की क्षमताएं उतनी नहीं है कि इतनी सारी सूचनाएं हम रख लें। लेकिन इससे अपेक्षा ये हो जाती है कि हम लोग कम से कम इसके बाद जब डॉक्यूमेंट को पढ़ेंगे, नेशनल पॉलिसी के डॉक्यूमेंट को पढ़ेंगे, तो वो हमें आसानी से समझ में भी आएगा, उसकी स्पिरिट भी समझ में आएगी, उसकी दिशा भी समझ में आएगी, उसकी इंटेंशंस भी समझ में आएंगी। तो मैं समय ज़्यादा ना लेता हुआ मैं चाहूँगा कि क्योंकि कुछ एक लोगों की प्रश्न हैं, टिप्पणियाँ हैं, वो ली जाएं और फिर इसके बाद जो है एक लास्ट टिप्पणी और एक तरह की अच्छी टिप्पणी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं रजिस्ट्रार डॉक्टर संजय शर्मा गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी नोएडा से, वो इसके ऊपर अंतिम टिप्पणी और अंतिम अपने जो वक्तव्य है वो संक्षेप में प्रस्तुत करेंगे। लेकिन उससे फिर भी सर एक और मेरा अनुरोध रहेगा, अगर टाइम के कम वजह से हम सवाल ज्यादा ना ले पाए तो मैं नहीं नहीं वो संक्षिप्त में दो तीन कोई बात नहीं, मैं फ्री हूँ जी, तो मुझे लगता है अगर कोई रह जाए मैं अपना नंबर शेयर कर रहा हूँ, कोई भी क्लैरिटी होगी देन आई विल ट्राई। डॉक्टर रविंद्र का कुछ प्रश्न मुझे लग रहा है हाथ खड़ा कर रहे हैं। जी सर धन्यवाद। आशुतोष जी पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूँ, बहुत अच्छा था। तो मेरा एक बड़ा ही स्पेसिफिक सोचा है इस योजना के बारे में डॉक्टर ने बात, लेकिन मेरे पर ये नहीं समझ आ रहा है बहुत संवैधानिक मूल्यों को हम साझा कैसे करेंगे। डॉक्टर रविंद्र जी, डॉक्टर रविंद्र जी जरा थोड़ा सा माइक के पास हो जाए। डॉक्टर रविंद्र जी प्लीज माइक के थोड़ा पास हो जाए, संविधान वाले उनको नहीं जानते। तो एक ये बहुत बड़े कि जिसमें से जुड़े लोग आज तो आप मेरी बात कह सकते हैं सर। हेलो सर, नहीं इको की प्रॉब्लम है, सवाल नहीं समझ पा मैं सर का, सवाल क्या है इको की प्रॉब्लम। हेलो सर, सवाल आपका सर मेरी आवाज आ रही है? रविंद्र आवाज आ रही है लेकिन थोड़ा सा माइक को अपने पास करें क्योंकि आपकी आवाज फिर फट रही है, वो साफ नहीं। दोबारा अपना प्रश्न दोहराएं। मेरे को भी नहीं आ रही सर आप अपना। मेरा अनम्यूट किया हुआ सर। जी जी प्लीज अपना प्रश्न दोहराएं। हाँ प्रश्न ये सर मेरा, डॉक्टर साहब ने जब संवैधानिक मूल्यों की बात की है और इस योजना में भी है, लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि संवैधानिक मूल्यों को हम अपने विद्यार्थियों तक, मैं कह रहा हूँ पूरे समाज में तो बहुत बड़ी बात है, उन तक हम कैसे प्रसारित करेंगे? क्योंकि यदि आप संवैधानिक मूल्यों को पश्चिमी विद्वानों के दृष्टिकोण से देंगे तो वो उचित नहीं होगा, और इसके लिए हमें दो चीजें मैं समझता जो कमी आई है, जो मेरा अनुभव रहा है कि पहली बात हमने संविधान को भारत, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं है महोदय। ठीक है चलिए, प्रश्न उनका समझ में आ गया है। डॉक्टर साहब प्रश्न मुझे समझ में आ गया है। दिनेश जी आप कितनी आप रखें सर, हम हमेशा से ही कोई भी पॉलिसीज रही है, हम हमेशा
ही संवैधानिक मूल्यों की बात करते आए हैं और वो जरूरी भी, लेकिन अब जो इस पॉलिसी में हम देख रहे हैं ऐसा नहीं है। संवैधानिक मूल्य तो पहले भी बात की गई है, जब वो कोठारी कमीशन से लेकर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 हो या सारे में बात की गई है, लेकिन यहाँ पे उसके लिए एक्टिविटीज भी, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल स्कूल की मैंने बात नहीं की वैसे आपके साथ, स्कूल का अलग से वो है इसमें, लेकिन मैं कॉलेज की भी अगर बात करूं, हमारे बहुत सारे सेल्स सर कॉलेज में चलते हैं और इवन यहाँ पे उन्हीं चीजों को प्रमोट करने के लिए अब आपकी जो को करिकुलर एक्टिविटीज जिनको हम कहते थे, अब वो को करिकुलर एक्टिविटी नहीं होंगी, वो करिकुलर का हिस्सा होगा। तो कोई संवैधानिक मूल्यों के लिए संविधान उठाने की जरूरत नहीं है, संवैधानिक मूल्य सिखाने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज हमारे पास पहले से अवेलेबल थी, लेकिन उनको एक शेप दे करके अब बात की गई कि उन क्लब्स के थ्रू या बहुत सारी जो एक्टिविटीज पहले भी मैं बता रहा था कि आपको चलती थी हमारे एनएसएस ग्रुप्स के थ्रू, लेकिन अब क्लब्स के थ्रू बात, जो क्लब्स को फंडिंग की बात की गई, क्लब्स तो पहले भी थे लेकिन वो क्लब हमारे उतने फंक्शनिंग, एक दो को छोड़ के बाकी को फंडिंग नहीं मिलती थी। अब इको क्लब हमने बनाया, उसको फंडिंग नहीं थी। एनएसएस से ठीक है, गवर्नमेंट से फंड मिलता है, एनसीसी से गवर्नमेंट को फंड मिलता है, लेकिन बहुत सारे क्लब्स, मैक्सिमम क्लब्स को नहीं मिलती थी। लेकिन 12.3 में बिल्कुल स्पेसिफिकली बात की गई है, खासकर हायर एजुकेशन की, स्कूल के अलग से है, कि फंडिंग ऑफ द टॉपिक सेंटर्ड क्लब्स एंड एक्टिविटीज, उन एक्टिविटीज में वो सारे के सारे आपके उसमें खासकर ध्यान की बात करेंगे, वहां पे आपके वही मूल्य होंगे जो संवैधानिक मूल्यों को भी प्रचारित प्रसारित करेंगे। तो विद फंडिंग की बात की गई है, वो मूल्य की तो पहले ही बात थी, मैं जैसे कह रहा हूँ तो ऐसा प्रावधान भी है जी। बाकी डॉक्टर साहब, संविधान के बारे में तो हमने पहले भी चर्चा की है कि संविधान को जब आप अंग्रेजी में कहेंगे और जब आप हिंदी में उसके अनुवाद करेंगे तो वो सारा भारत जो है उसमें कंफ्यूजन में फंस के रह गया। सर अनुवाद में बड़ा, अनुवाद में तो बड़ी दिक्कत है, तो मैं कह रहा हूँ भाषा के एक साथ साथ भाव भी बदल जाता आपका। बिल्कुल सर, वही वही इंडिया और जो भारत की बात मैं अभी कर रहा था, तो वो बहुत सारे है नो डाउट, लेकिन इसमें प्रोविजन है एक्टिविटी का जो मैं कहना चाह रहा था। जी बिल्कुल, बहुत उचित और बड़ा अच्छा प्रश्न था और बड़ा सही उत्तर दिया है। आनंद जी कुछ आप कहना चाह रहे हैं? आनंद हाँ, नमस्कार जी सर, थैंक यू फॉर अ वेरी गुड लेक्चर, बहुत इसमें इंफॉर्मेशन जानकारी मिली, मगर मुझे एक टिप्पणी करनी थी इसमें। आपने यहाँ पे दो या तीन बार रोट लर्निंग का जिक्र किया, और जिस प्रकार रोट लर्निंग का जिक्र किया उसका मतलब मेरे हिसाब से आपने माइंडलेस रिपीटेशन इस तरह का लिया, जबकि रोट लर्निंग एक्चुअली इज मेमोराइजेशन बाय रिपीटेशन, और ये अपने शास्त्रों की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जिसे अभी वेस्टर्न पाश्चिमात्य विद्वान भी मानने लगे हैं कि आपका मेमोराइजेशन जितना बड़ा होगा उतना ब्रेन, उतना आपका दिमाग बड़ा होते जाता है, आपकी कैपेसिटी बढ़ती है, और कैपेसिटी बढ़ने से आप काफ़ी अलग चीज़ें कर सकते हो। मगर हम लोग ने, वो वेस्टर्न एजुकेशनिस्ट ने, ये रोट लर्निंग लेके ही, जिसे स्ट्रॉ मैन आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, उसे ही बदनाम कर दिया कि रोट लर्निंग का मतलब है पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, जानने की समझने की कोई ज़रूरत नहीं। और अपना दुर्भाग्य है कि अपने भारतीय विद्वान भी रोट लर्निंग का यही मतलब लेके उसका उपयोग कर रहे हैं, तो इसलिए रोट लर्निंग का जो ओरिजिनल मतलब है वो लेके हम लोग ने करना चाहिए। जैसे धर्म को हम लोग रिलीजन बोल दिए, इसी तरह से रोट लर्निंग का वापस वापस प्रयोग एजुकेशन फैकल्टी के तरफ से ही गलत तरह से हो रहा है, इसलिए इसका प्रयोग करना वर्ज करे, या तो अच्छी तरह से जो ओरिजिनल उसका कारण है वो लेके उसका उपयोग करे। आपका इसके ऊपर मैं ये चाहूंगा जी। बहुत अच्छा, आपने टिप्पणी बहुत अच्छी है, लेकिन सर आप कुछ कह रहे हैं सर? आप कहिए, आप अपनी बात रखिए। सर जो रोट लर्निंग का वो वाला जो आप वैदिक टाइम का बोल रहे ना, वहां श्रवण मनन ध्यासन वो वाला नहीं है ये। अब अगर वो होता तो मैं उसका विरोधी नहीं होता और आप भी उसके विरोधी नहीं होते जी। फिर रोट लर्निंग जो आप कह रहे हैं, मैं फिर सवाल खड़ा करता हूँ, एजुकेशन हम अगर नौकरी के लिए या डिग्री के लिए ले रहे हैं, मैं उसको फिर एजुकेशन नहीं कह रहा। मैं कहता हूँ एजुकेशन का पर्पज ही समझ होना चाहिए, वो समझ आपका जो भी डिसिप्लिन हो, व्हाटएवर,
मैं उस रोट लर्निंग की बात कर रहा हूं जहां सिर्फ आप क्रैमिंग करके नंबर के पीछे भागते हो। मैं कहता हूं एजुकेशन का पर्पस ही समझ होना चाहिए, बस उससे अलावा है ही नहीं सर कुछ भी मेरे उसमें। जी, आप उसको एंशियंट कंसेप्ट से जोड़ोगे, फिर और भी चीजें जोड़िए उसमें साथ में। नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा है, क्योंकि शास्त्रीय विधान जो है वो केवल मात्र वहां तक है कि जहां तक आपके भीतर कुछ एक चीजें जो मूल आधार हैं वो हों, उसके बाद आपकी अपनी जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो विकसित होनी चाहिए, और सारा शास्त्र क्रिटिकल थिंकिंग के लिए है। जी बिल्कुल ठीक आपने कहा है। यदि और किसी की कोई टिप्पणी है, मनमोहन जी सर आपकी। मैं अविनाश कुमार श्रीवास्तव, पहले तो मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ, और बड़े सम्यक रूप से इन्होंने जो विश्लेषण किया है श्लाघ्य है। मेरी एक जिज्ञासा है, वो जिज्ञासा यह है कि इन समस्त शिक्षा पद्धति का एक आधार होना चाहिए, और वह आधार है हमारे नैतिक मूल्य, हमारी नैतिक शिक्षा। क्योंकि एक श्लोक हमने कभी पढ़ा था कि विद्या विवादाय धनंग मदाय शक्ति परेशांग परपीड़नाय खलस्य साधु विपरीत मतेतां ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। तो वस्तुतः जब तक हम इस शिक्षा के मूल में उन समस्त मूल्यों को समाहित नहीं करते हैं और उसके आधार पर हम शिक्षा को आगे नहीं बढ़ाते हैं, तो हमारी सारी शिक्षा या तो सूचना तंत्र बनकर बिखर जाती है, और हमारे हमें वो ज्ञान देने में असमर्थ हो जाती है, और कभी कभी तो उसका अलग विश्लेषण भी हम करने लगते हैं। अब ये जो मूल्य आधारित शिक्षा है वो प्रारंभ में कैसे देना है और फिर हायर एजुकेशन में कैसे देना है, तो इसके क्योंकि हमारी की पूरी शिक्षा व्यवस्था इसी पर चलनी चाहिए जैसा मैं सोचता हूँ, तो अभी इसका विश्लेषण हम कैसे करेंगे कि हाउ टू इनकल्केट दिस मोरल वैल्यूज अमंग द स्टूडेंट्स सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन इन ए राइट परस्पेक्टिव एंड दे कैन यूटिलाइज इट इन ए प्रॉपर वे, बिकॉज माइंड एंड नॉलेज इज ए डबल एजेस वेपन, इट कैन the atomic energy can blast and it can give light to the villages and the so that's why how can we utilize this moral value and how it can be imparted and inculcated in the curriculums, that's how I want to know. जी बल्कि अविनाश जी की बात का डॉक्टर मैं एक और पक्ष रखना चाहूंगा, बल्कि दूसरे तरीके से रखना चाहूंगा संक्षेप में, कि जब तक कंपटीशन का ये जमाना हम कहते रहेंगे, कंपटीशन हमारी का बेस रहेगा, तो हम इन वैल्यूज को कैसे एस्टेब्लिश करेंगे, क्योंकि कंपटीशन का मतलब है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और जब आप इस वायलेंस पे रहेंगे, और बल्कि इसको थोड़ा सा एक पंक्ति में मैं और आगे बात को बढ़ाऊं कि टोटल एजुकेशन सिस्टम आज तक जो चला है और अब जो ये लोग बात कर रहे हैं वो या तो रहा है इसके बेस पे सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट पे, या फिर उसमें जब आ गया है ये फ्राइड उधर की ओर चला गया है, और फिर तीसरा जो पक्ष हमारे सामने आया कार्ल मार्क्स का लेकर के, इन तीन लोगों ने जिस तरह से हमें परिभाषित किया है उसने हमारे बहुत मूलभूत परिवर्तन कर दिए हैं। तो मुझे लगता है कि जब तक हम कंपटीशन की भावना से बाहर नहीं निकलेंगे तो हम सही मायने में हम मानवीय मूल्यों की बात नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर भी आप अपनी दृष्टि से टिप्पणी कीजिए और फिर हम जो है समापन की ओर चलेंगे। सवाल वाजिब है अविनाश जी आपका, लेकिन उसका जवाब फिर वही है कि हम जो अंग्रेज साहब कह रहे हैं कि हम शिक्षा इसीलिए दे रहे हैं कि हम उसको कंपटीशन के लिए तैयार करते हैं। जब हम उसको कंपटीशन में, छोटे से उदाहरण से बताता हूँ, हम उसको नंबरों की दौड़ में दौड़ना शुरू कर देते हैं जो जिसको हम अंक हैं, वो वही फिर सारी उम्र उसके हावी रहता है। जब नौकरी लगेगा कितने अंकों में सैलरी मिलेगी वो हावी रहते, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूँ कि हमने समझ के शिक्षा कभी दी ही नहीं, खासकर मॉडर्न टाइम समझ के लिए हमने वहां पे शिक्षा दी ही नहीं। तो अब कम से कम वो जो मूल्य है, चाहे वो सत्य हो, सदाचार हो, धर्म हो, और उससे भी आगे मैं चलता हूँ जो आज जरूरी है। आज जो मैं कह रहा हूँ, बहुत सारे इश्यूज मैंने आपके टच नहीं किए कि बहुत सारे एजुकेशन है, अकेला एनवायरमेंट एजुकेशन नहीं, उसमें बहुत सारी चीजें, क्लाइमेट चेंज है, पोल्यूशन है, वेस्ट मैनेजमेंट है, सैनिटेशन कंजर्वेशन और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, बहुत सारे, और वैल्यू बेस्ड एजुकेशन की जब वो बात करते हैं उसमें कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ ह्यूमन वैल्यूज की, जो धर्म, शांति, प्रेम, अहिंसा, सारे की बात की गई है लाइफ स्किल्स। तो कहने का मतलब ये क्या है कि पॉलिसी बात कर रही है, अब उस स्कूल से लेकर के
और हायर एजुकेशन तक, अब हम टीचर्स हैं जो उसको लागू करेंगे या करने की कोशिश करेंगे। तो जरूरी है जब तक मूल्य या मूल्यों के साथ शिक्षा नहीं होगी, हम सिर्फ मेडल्स के लिए तो तैयार कर देंगे, ऐसे कॉलेज में कोई फर्स्ट आएगा गोल्ड मेडल दे देंगे, लेकिन व्हाट अबाउट द रोल मॉडल्स? वो रोल मॉडल्स कब होंगे? जब हम उस शिक्षा में मूल्यों को मिलाएंगे, या मूल्यों को, मूल्य की अलग से क्लास नहीं होगी। मैं कोई सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ उसमें भी मूल्य है, आप सब्जेक्ट पढ़ाते हैं उसमें भी मूल्य है, तो उन पे हमें 10 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट जो भी व्हाटएवर, तो उनके साथ साथ ठीक है एक्टिविटीज से भी लेंगे, लेकिन क्या कितनी कोशिश हमने अपने सब्जेक्ट के माध्यम से की है? हम ये सोचते हैं लिटरेचर वालों का काम है तो संस्कृत वाले पढ़ाएंगे, मूल्यों की बात तो हिंदी वाला करेगा, अंग्रेजी वाला करेगा, क्यों नहीं है भाई बाकी सब्जेक्ट्स में भी हो तो, हम कहते हैं। तो कहीं ना कहीं, और एक जो मूल्यों की बात भी जो आप कह रहे कि अंग्रेजी सिस्टम का कह लीजिए, अंग्रेजियत का कह लीजिए, वो भी एक बड़ा, क्योंकि हम लिखते अंग्रेजी में थे लेकिन मेरी सोच तो हिंदी में या मातृभाषा में ही रहती थी, वो मातृभाषा की भी इम्पोर्टेंस दी गई है। और एक और अच्छी बात मैं आपको बताऊं, स्कूल एजुकेशन में था कि ट्रांसलेशन ऑफ गुड मोटिवेशनल बुक्स ऑफ एवरी टाइप, तो वो हमारी जब अपनी मातृभाषा में या जो हमारे रीजनल लैंग्वेजेस में उनमें होगी, क्योंकि अब तो अंग्रेजी में ही है, मैं कार्ल मार्क्स को पढ़ना तो अंग्रेजी में ही पढ़ना पड़ेगा मेरे को, मेरे को नहीं आइडिया आएगा हिंदी से दूसरी, क्योंकि उस तरह से अवेलेबल नहीं है। तो वो चीजें भी कोशिश होगी साथ साथ में कि आपको उस मूल्यों के लिए, खासकर जो स्थानीय भाषाएं हैं, क्योंकि हमें एक दूसरे लेवल पे, एक ज्ञान के लेवल पे अलग और भाषा के लेवल पे अलग से लड़ाई लड़नी पड़ती थी, तो अब इसमें एक अच्छी कोशिश की गई है कि जो भारतीय भाषाएं हैं और जो मातृभाषा है, क्योंकि एक इंसान के लिए, बच्चे के लिए चार मां बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, जिससे हमारा दिल से लगाव होता है, उससे मैदे से नहीं संबंध होता, मैदा मतलब पेट, पेट से संबंध नहीं होता उन चार मां का, एक हमारी माँ, एक हमारी माँ बोली, एक हमारा मजहब और एक हमारा मुल्क राष्ट्र, तो ये चार चीजें दिल से जुड़ी होती हैं। तो कहीं ना कहीं हम अगर इस पॉलिसी के जो प्रोविजंस हैं उनकी बात या उन पे जाएंगे, तो कह सकता हूं मैं ज्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ तो बदलाव आप 10-15 सालों में देखोगे। चलिए बहुत अच्छा सर, बिल्कुल ठीक है कि सर्वोत्कृष्ट और सर्वोत्तम होने में फर्क बहुत होता है, शब्द बड़े पास के हैं, लेकिन शायद ये एजुकेशन पॉलिसी कहीं बदल पाए टीचर्स की सोच को और बाकी समाज की सोच को कि सर्वोत्कृष्ट होने की अब आवश्यकता नहीं है, सर्वोत्तम बनिए, आप सर्वोत्तम होंगे तो सबको साथ लेके ही अग्रसर होंगे। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ एक अध्यक्षीय टिप्पणी कह लीजिए, क्योंकि बहुत सीनियर हैं हमारे साथ जुड़े हुए डॉक्टर संजय शर्मा जी जो रजिस्ट्रार हैं गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी से, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि बहुत संक्षेप में अपना जो है वो अध्यक्षीय वक्तव्य हमारे साथ। जी सर, सभी विद्वत जनों को मेरा नमस्कार। आवाज आ रही? ज्ञान को संपूर्ण मानवों के जीवन में बहुत सुंदर प्रकार से प्रकट करने का नई शिक्षा नीति का ड्राफ्ट स्वागत योग्य है। माननीय डॉक्टर दिनेश चहल जी ने और जितने भी हमारे अन्य साथीगण जिन्होंने अपने सजेशन कमेंट्स दिए बहुत सुंदर थे। मूल रूप से इस शिक्षा पद्धति में जो ड्राफ्ट नया है, होलिस्टिक जिसकी अप्रोच हमने कहा है, यानी संपूर्ण मानव के सभी गुणों का उदय, ऐसा हमने चिंतन किया है। उस चिंतन में वर्तमान, चूंकि हम सभी लोग जितने इसको सुन रहे थे वो सब पुरानी शिक्षा पद्धति से बने हैं और ये नई शिक्षा पद्धति है, निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा गैप अभी है मन में, समझने में। और मूल रूप से इस शिक्षा पद्धति को जीवन में उतारने वाला जो विषय आने वाला है वो देखा जाए तो जो बचपन है, जिसमें हम मानते हैं कि बुद्धि का विकास, उसके अंदर जो मूलभूत तत्व, तार्किक तत्व पैदा होते हैं, वो 7 वर्ष की अवस्था तक ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, उसके बाद तो उसका फिर एप्लीकेशन पार्ट आता है। तो ऐसी अवस्था में उस बच्चे को समझ कर उसकी इम्प्लीमेंटेशन की, उसकी ब्रेन मैपिंग करके कि किस तरफ वो जाना चाहता है, क्योंकि हम लोगों ने संपूर्ण मानव के विकास के लिए 64 कलाओं का जिक्र किया है मोटे रूप से, अगर मान के चले और अगर हम उसी भाषा को समझें तो कह सकते हैं कि कृष्ण भगवान 16 कला संपन्न थे, राम भगवान 14 कला संपन्न थे। तो इसका हम लोग से कला को डायमेंशन मान के अगर चले
तो डायमेंशंस अपने आप में ये निश्चित रूप से हम लोग कहते हैं कि ये टाइम स्पेस एंड कैजुअलिटी और टाइम ये सारा जो है आपका 3D 4D उसमें चल रहा है कोऑर्डिनेट्स में, तो ये डायमेंशंस 16 और 14 तक पहुंच जाए तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा विकास है। यानी आप इसको अब, लेकिन साथ ही हमने मल्टी डिसिप्लिनरी सिस्टम की बात की। अब मल्टी डिसिप्लिनरी सिस्टम जहाँ हम जो है 2, 4, 5, 8, 10 कोर्सेज चला रहे हैं विद्यालयों में, वहां आप इतने सारे कोर्सेज चला पाएंगे उसके लिए फंड, और फंड के लिए फंड को उसको भी दूसरी बात जिस प्रकार से उसको इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि ये जो भाषा और भाव है इसमें वो त्याग और तपस्या वाले हैं, साधना वाले हैं। निश्चित रूप से साधक लोग जो इस सामान्यतः अध्यापक को मानतम साधक समझा जाता है, वर्तमान परिस्थितियों ने किसी कुछ प्रकार के विक्षेप आए हैं, लेकिन ये विक्षेप दूर हो और निश्चित रूप से इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मन बने, मन के साथ साथ मन के साथ साथ बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई है उसके, क्योंकि वर्तमान परिस्थितियां में जहां हम लोगों ने सामान्यता बहुत सारी बुराइयों को जीवन का अंग मान लिया और सामान्यता सहजता से स्वीकार करते हैं, उस स्वीकार्यता को हटाना तो निश्चित रूप से स्वयं ही उस भाव की तरफ बढ़ जाएंगे जिसकी हम उम्मीद कर रहे थे। जैसे हम संविधान और जितने भी हमारे शब्द हैं वो मूल रूप से हम संविधान नहीं भी पढ़े हैं तो भी वह संविधान स्वतः हमारे जीवन में उतर जाता है। यानी हम सामान्यतः जब भी व्यवहार करते हैं, हमें किसी ने नहीं पढ़ा संविधान, हम जो सामान्य सड़क पे घूमते रहते हैं जीव, लेकिन उस संविधान का आदर तो वो भी कर रहे हैं, समझ रहे हैं, मतलब उनको शब्द नहीं पता है। तो निश्चित रूप से जो हम ये मूल शिक्षा के चीजों को जीवन में उतारेंगे तो संविधान स्वतः अंदर आ जाएगा। दूसरा विषय एक और इसमें ध्यान में आया था कि चैलेंजेज में जो बातें बताई हैं, निश्चित रूप से चैलेंजेज है और उनको सुनते धीरे धीरे हम लोग 20 साल हमें मिले, लेकिन 20 साल से पहले जितना ये फ्रेमवर्क है ये कह सकते एक ढांचा है। इस ढांचे में जो माइक्रो एलिमेंट्स डालने हैं जिसमें मूल रूप से बुद्धि है, तो बुद्धि के साथ जो साइकोलॉजी है, जो मनोविज्ञान है, और उसके बच्चे के विकास का जो तरीका है, उन सब का कोऑर्डिनेशन, और उसके बाद से उसके विषय को तय करना। तय करने के बाद में आपने एनएसक्यूएफ की बात की, नेशनल स्किल डेवलपमेंट की बात की है, तो वो जो फ्रेमवर्क्स हैं जो ऑलरेडी हमारे विद्यालय चल रहे हैं, IIT चल रहे हैं, डिप्लोमा चल रहे हैं, इंजीनियरिंग चल रहे हैं, उनके साथ उसको उसकी भाषा और उसके भाव के साथ कोऑर्डिनेट करना, ये अपने आप में एक बड़ा लंबा चौड़ा अध्ययन का विषय है, और उसको इम्प्लीमेंट करना धीरे धीरे करना है, तो उसमें भी एक बहुत बड़ी टीम और आप साधकों का बहुत लंबा समय चाहिएगा, तभी यह संभव हो पाएगा। इम्प्लीमेंटेशन पार्ट जो सुंदर चीजें हैं हमारे पास, वेद हमारे पास बहुत लंबे समय से हैं, सभी चीजें हैं, लेकिन हम लोगों उनको उतार पाना, क्योंकि हम तो साधना सामान्य ज्ञान तो उनकी भाषा को समझ ही नहीं पाता है। कारण उसका यही रहा कि हम लोगों को उस शिक्षा के इतना दूर कर दिया गया, उस शिक्षा से इतना दूर कर दिया कि हम उसको समझ भी नहीं पाते, और वर्तमान में कुछ लोगों ने साहस करके हिम्मत करके उन विषय को लेके आए हैं, तो निश्चित रूप से कुछ अच्छा हमारे जीवन में उतरने की आने की संभावना है। और आप मुझे ये भी विश्वास है क्योंकि समय का अभाव है कि हम सब लोग इस कार्य को पूर्ण सद्वृत्ति के साथ, पूर्ण साधना के साथ लेकर चलेंगे, तो निश्चित रूप से जिसकी हम संकल्पना करते हैं कि ये देश विश्वगुरु बनेगा, विश्वगुरु बनकर रहेगा, हम सब निश्चित रूप से उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। इसको ऑफ कर दीजिए, वॉल्यूम बंद कर दीजिए। धन्यवाद डॉक्टर संजय जी। सही मैं कर धन्यवाद डॉक्टर संजय जी, बड़ा संक्षिप्त और सारगर्भित आपने जो टिप्पणी की है और उससे हमें हमारी जो सावधानता बढ़ी है उसके लिए आपका मैं आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि ले दे करके सारा का सारा दायित्व जो है वो दायित्व शिष्य शिष्य का जो आता है वो अध्यापक पे ही आता है, इसलिए हम अध्यापकों को ज़्यादा सावधान होने की अपेक्षा है, हमें ही इनिशिएटिव लेना चाहिए
और समझना चाहिए और दिशाएं निर्धारित करनी चाहिए। ये काम पॉलिटिशियंस के नहीं है, सरकार के नहीं है, ये अध्यापक की जिम्मेदारी थी जो आज इस एजुकेशन पॉलिसी में रिफ्लेक्ट हो रही है और वो भावना व्यक्त हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये हम टीचर्स के लिए मौका है जहाँ पर हम सुप्रतिष्ठित करें अध्यापक को, कि अध्यापक सर्वोत्तम है, सबसे ऊपर अध्यापक है, शिष्य उसके बाद है, बाकी सारा समाज उसका समर्थन और सहयोग कर रहा है। यही होना चाहिए था, यही हमारे समाज का स्ट्रक्चर होना चाहिए था, जो टूट गया, बिखर गया और उसमें लॉबीज हावी हो गई और उसमें राजनेता हावी हो गए और चीजें हावी हो गई। जबकि होना क्या चाहिए था, अध्यापक सर्वोत्तम, उसके साथ जुड़े हुए शिष्य और शिष्यों के बाद सारा समाज और सारी व्यवस्था उसका सहयोग समर्थन करे। लेकिन चलिए जो है, आगे आने वाला समय हमारे लिए बहुत सारी नई चुनौतियां भी ला रहा है और मैं समझता हूं कि आज के वक्तव्य ने उन चुनौतियों के प्रति हमें जागरूक और ज्यादा समझदार किया है। और मैं अपेक्षा करूंगा आप सबसे कि इस डॉक्यूमेंट को अब आप जरूर पढ़िए। मैं खुद इस डॉक्यूमेंट को दोबारा पढ़ूंगा, प्रॉपरली पढ़ूंगा और फिर इसके ऊपर हम एक बार पुनः विचार करें। और विशेष रूप से अब इसका पार्ट टू जो हम करने जा रहे हैं वो मैं संस्कृत के लोगों से अपेक्षा करूंगा कि वो हाउ संस्कृत रिस्पॉन्ड टू दिस नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, वो अपना मत और अपना अपनी भूमिका निर्धारित करें। क्योंकि आज तक 70-72 सालों में संस्कृतज्ञों ने किसी पॉलिसी में कोई योगदान नहीं दिया। इवन जो संस्कृत का कमीशन भी बना था उसकी दुर्दशा आप देख लीजिए कि अभी तक कोई न तो उन्होंने पॉलिसी सजेस्ट की, ना उन्होंने कुछ काम इस तरह का किया जिससे हम फख्र अनुभव करें। और तो और मैं मतलब ये बात बड़े दुख और पीड़ा से कह रहा हूँ। अभी पीछे मैंने एक विश्वविद्यालय, संस्कृत का विश्वविद्यालय, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, उसने FDP आयोजित की। आप देखिए कि FDP आयोजित होनी चाहिए थी संस्कृत के लोगों के लिए, बाकी लोगों के लिए भी होती, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन संस्कृत को लेकर के एक भी उसमें ना सॉफ्टवेयर की शिक्षा दी गई, ना उसके बारे में बात की गई। सारा का सारा काम किसका किया गया, सारा का सारा जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं उन्होंने जो कुछ बताया वो किया, लेकिन नाम कौन ले लेंगे। देखिए संस्कृत विश्वविद्यालय ने FDP कराई और लोगों को, टीचर्स को ट्रेनिंग दी और एक भी संस्कृत के व्यक्ति के लिए वो योग्य सॉफ्टवेयर नहीं है, वो यूज कर ही नहीं सकता उन सॉफ्टवेयर से। लेकिन ये भ्रम पैदा जो करते हैं, हम अपने से जो अपने साथ जो धोखा कर रहे हैं, इस धोखे को करना बंद करें। उसके तथ्य को आगे आना चाहिए, वो निश्चित दिशा ले, उसके पास बहुत कुछ है, लेकिन वो अपनी प्राचीनता के भार में दब ना जाए, उसका व्यक्तित्व सुधरना चाहिए था। ये मुझे लगता है कि इस विषय को लेकर के हम इसका द्वितीय भाग करें और उसकी आलोचना करने के लिए हम दूसरे विषय के विद्वानों को बुलाएंगे। लेकिन पहले बात संस्कृत के लोग रखेंगे, और मैं चाहूंगा क्योंकि हमारे पास डॉक्टर आरपी कौशिक जी, डॉक्टर ज्योति जी और डॉक्टर राजेंद्रा और अक्षय जी, कई सारे लोग जुड़े हुए हैं और बाकी जिनको मैं नहीं जानता, आप सबसे मेरा निवेदन रहेगा कि इस एजुकेशन पॉलिसी में आप लोग केवल इतनी बात रखें कि हमारी भूमिका क्या होगी और उसके ऊपर फिर जो है बाकी विषयों के लोग जो है वो अपनी बात रखेंगे। विषयों के विद्वान भी बैठे हैं पुस्तकालय में। हेलो सर, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है। अमीर साहब आपके पास सवाल क्या? डॉक्टर नहीं सर, हाँ जी कौशिक जी एक बार प्रयास कीजिए। मैं कह रहा कि मेरे साथ जो है विद्वान भी बैठे हैं, वो भी अपने इस वेबिनार को सुन रहे हैं। जी जी हाँ जी सर। तो हमारे महाविद्यालय से केवल संस्कृत के ही नहीं, अन्य विषयों के विद्वान नहीं, आपकी बात स्पष्ट नहीं हो पा रही जी। बिल्कुल जुड़े हुए हैं, बाकियों की स्थिति भी कोई अच्छी नहीं है आपको बताऊं क्योंकि मैंने तो इतने लोगों के साथ में संपर्क कर लिया है, स्थिति बहुत खराब है और जिस तरह की अपेक्षाएं हैं वो
उसके साथ हम कंपेटिबल नहीं हो पा रहे हैं, ये चर्चा इस जगह मैं बाद में करूंगा। लेकिन जो मेरा तो संस्कृत को लेकर के जो एक पीड़ा रहती है, जो तकलीफ रहती है कि संस्कृत को आगे आना चाहिए था, संस्कृतज्ञों का ये दायित्व था कि वो इन जिम्मेदारियों को लेते, वो सजेस्ट करते कि ये सुझाव देते, मुझे नहीं मालूम कि कितने लोगों ने दिया। एक स्वच्छ भारत में तो के अभियान में तो संस्कृतज्ञों ने कोई सुझाव नहीं दिया, जबकि वो उनका ही तो सिद्धांत है। कादंबरी से उठाएं, कहीं से उठाएं, आपको स्वच्छता मिलेगी। आपको और कितने सारे अभियान हैं, मुझे तो लगता है मोदी जी ने आप सबको संस्कृतज्ञों को मौका दिया है कि भाई संस्कृत से लाओ। हम तो सभी विद्वानों से डॉक्टर एक आग्रह करते हैं कि अपने अपने विषय का जो वो ज्ञान संस्कृत में निहित है उसको ढूंढ करके निकालें। जी जी, तो ये दृष्टिकोण से संस्कृत का अध्ययन करें। जी, इसका सेकंड पार्ट जो है वो हम इसी तरह से करेंगे, और लेकिन पहले संस्कृत के लोग अपनी बात रखें और फिर आलोचना हम बाकी विद्वानों से लेंगे। और इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर दिनेश चहल जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बहुत अच्छे और सुंदर तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी, हम लोगों तक कम्युनिकेट की, और वाकई एक एजुकेशन का टीचर होने के नाते जी मैम जी मैडम कहें अपनी बात। हाँ जी, हाँ जी सर, मैंने लिखा भी है सर, क्यों ना हम कुछ कंप्यूटर के वो हायर करके अपना एक सॉफ्टवेयर बना लेते हैं सर। ठीक है मैम, हमें हाँ जी सर, हमें टेक्निक्स तो हमें लेनी पड़ेगी मदद। जी जी, उसके लिए हम सहायता लेके हम अपना एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं जिसमें हम अपना ये सब कुछ ऐड कर सकते हैं। मैम अभी मैं एक FDP उसकी योजना बनाई है और संस्कृतज्ञों के लिए FDP लगाएंगे, तो मैं आप लोगों के साथ। हाँ जी हाँ जी सर, लेकिन उसके उसके लिए सर चाहिएगा ना संस्कृत का सॉफ्टवेयर, तो वही चल जाएगा आगे भी। हाँ जी हाँ जी, उसके बारे में मैं सारी फिर वो योजना आप लोगों के साथ बात करके ही करेंगे। लेकिन ठीक है। और सभी जुड़े हुए लोगों को जो अंतिम समय तक जुड़े रहे हैं हमारे साथ चर्चा में, उन सब के धैर्य के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ। और आप लोगों ने इसमें अपने विचार भी साझा किए और सारे विचारों को सुना भी, डॉक्टर साहब के विचारों को सुना, आप सबका मैं बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। क्योंकि सेमिनार करना जो है ना, ये सबसे रिस्की काम होता है, आपको मालूम नहीं होता कितने लोग जुड़ेंगे, कितने नहीं जुड़ेंगे और किस अपेक्षा से जुड़ेंगे। लेकिन जो भी हुआ अच्छा हुआ, कम से कम हमारी दृष्टि का विकास हुआ, हमारी समझ गहरी हुई और हमारे पास अग्रसर होने की संभावनाएं ज़्यादा विकसित हुई। यही वेबिनार का पर्पस होता है और आज ये वेबिनार इस अर्थ में सफल है। तो मैं इन्हीं सब शब्दों के साथ आप सबके प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ। और यदि किसी ने वो रजिस्ट्रेशन लिंक ना भरा हो तो कृपया भर दीजिए, क्योंकि फिर उसके बाद जब क्लोज हो गया तो फिर उसमें लाभ नहीं हो पाएगा। और कृपया ध्यान से भरिएगा, उसमें आलतू फालतू शब्द नहीं आप प्रयोग करेंगे सर्टिफिकेट भरते हुए रजिस्ट्रेशन लिंक, अन्यथा वो आप तक सर्टिफिकेट नहीं पहुंचेगा। तो हर बार वो दिक्कत आती है, तो कृपया उस बात का ध्यान रख करके आप सर्टिफिकेट के लिए उसको भरें और जल्दी ही आप लोगों तक वो पहुंच जाएगा। और जल्दी ही हम दोबारा मिलेंगे, इसका पार्ट टू भी करेंगे, साथ में संस्कृत के लोगों के लिए FDP भी लगाएंगे, उसमें बाकी लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं हिंदी और पंजाबी के भी। और उसके अतिरिक्त हम कुछ एक इश्यूज पे और बात करने जा रहे हैं, जल्दी मैं आप लोगों को सूचित करूंगा, जो नेशनल सिक्योरिटी के साथ जुड़े हुए इश्यूज हैं। और जो हिस्ट्री, जिस तरह से हिस्ट्री ने हिंदुओं को बिट्रे किया है, उन सब विषयों पर भी हम बातचीत करने जा रहे हैं बहुत जल्दी ही, और वो मैं आप लोगों के साथ समय के अनुकूल जो है वो आप लोगों के साथ साझा करूँगा। बस आप लोगों का इसी तरह से सहयोग चाहिए, समर्थन चाहिए, और आप सबका पुनः पुनः बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। ये शब्द मैं बार बार दोहराता हूँ, लेकिन मैं सचमुच हृदय से ही ये आप लोगों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। मैं महसूस करता हूँ आप लोग जितना समय निकालते हैं इस बात को सुनना,
ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, तो उसे मैं पूरी तरह से एक्नॉलेज करता हूँ। आप सबका पुनः धन्यवाद। यदि किसी की कोई समस्या हो तो वो रुका रह सकता है, नहीं तो आप सभी लोग आप छोड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। और किसी का फॉर्म रहता हो तो वो मैं दोबारा इसमें डाल देता हूँ, तो उसको आप फीड कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, कैन लीव द मीटिंग। यस सर, अविनाश जी। हाँ, अरे यक्ष प्रश्न अगर आप मेरे पास भेज देते तो जी सर। नहीं नहीं सर, कृपा वाली बात नहीं है। आपने एक बार मेरे मेल पर भेजा हुआ है तकनीकी शिक्षा वाला, ये यक्ष प्रश्न और इसके पहले वाला एक और मिल जाता, वैसे तो उसको मैंने अटेंड किया हुआ। नहीं, उसको यूट्यूब पे अपलोड कर दिया हुआ है। आप मेरे साथ व्हाट्सएप पर हैं क्या? आपके साथ तो नहीं, लेकिन वो जो इंडिक वाला जो व्हाट्सएप है उसमें मैं हूँ। मैं उसमें लिंक हर बार भेज देता हूँ, ये भी अभी लगभग घंटे के बाद मैं इसको अपलोड। नहीं नहीं, ये तो आप भेज ही देंगे। यक्ष प्रश्न आपने भेजा था, कतिपय कारणों से वो डिलीट हो गया है। जी, मैं जी, उसे पुनः सुनना चाहता हूँ, और कोई बात नहीं। जी जी सर, मैं दोबारा भेज दूंगा, लेकिन आप मुझे एक बार व्हाट्सएप कर दीजिए अपना नाम और नंबर, तो मैं अपना मेल भी व्हाट्सएप कर देता हूँ उसी पर। जी, मैं और भी चीजें आपको शेयर कर लूंगा। थैंक यू सर, बड़ी कृपा होगी। हाँ, धन्यवाद। थैंक यू।